फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, नतीजों के बारे में भी बात करेंगे। MGL के नतीजे हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं और अनुमान से थोड़े कम दिख रहे हैं। मुनाफा है 45 करोड़ का, हमारा अनुमान 55 करोड़ रुपए का था, तो और गिर YoY कंपैरिजन देखें तो 167 करोड़ से गिरकर आया है और आय भी कम आई है, 277 करोड़ की आय आई है। हमारा अनुमान सर 329 करोड़ का था। तो MGL के थोड़े कमजोर नतीजे हैं सर, पर एक्शन भरपूर रहने वाला है। 6 और वायदा कारोबार और एक निफ्टी की कंपनी के नतीजे अभी भी आना बाकी है, तो बताइए सर बड़ी बातें क्या है इस समय। वीकेंड से पहले बाजार एकदम सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सुबह अगर शुरुआती कुछ मिनटों में आपने खरीदारी कर ली तो कर ली, और वहां से गैप मिल गया 50 पॉइंट का, इसीलिए जहां खुले वहीं खरीदना है और 11,150 पर और ये राय अगर जिसने सुन ली और अमल की उसके तो 50 पॉइंट बन गए, अदरवाइज दिन भर में आप निफ्टी पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी यही रहा, 21,450 के अहम लेवल से रिकवर होकर लगभग 300-350 पॉइंट ऊपर आया, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अब सीमित दायरे में। IT फार्मा शेयर कमजोर है और ऑटो और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी है। MC एक्सप्रेस सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, 56,191 रुपये, ये अभी इतिहास में दर्ज हो चुका है नए रिकॉर्ड के तौर पर, और चांदी भी 78,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश करती हुई दिख रही है। यूरोप के बाजार सपाट हैं, डाउ फ्यूचर्स 75 अंक कमजोर हैं, तो हल्की फुल्की सुस्ती और कमजोरी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से। BEML इसके रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, 580 करोड़ से आय घटकर 390 करोड़ रही है, ये BEML के रिजल्ट आपके सामने। स्टॉक 650 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। MGL के भी नतीजे हैं, तैयार कर लीजिए चार्ट्स BEML के कुणाल जी। MGL के लिए मैं वागलेस आपके पास जाऊंगा, तो घाटा बढ़ा है BEML का 98 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़। तो पहले BEML के नतीजे बता दें कुणाल जी, और उसके बाद हम वागलेस साहब से पूछेंगे MGL के नतीजे। BEML कुणाल जी, नहीं देखिए चार्ट पर कुछ खास नहीं है, बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार हम काफी दिनों से BEML में देख रहे हैं, तो किसी तरह का मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 640 के ऊपर है, ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री रेंज बाउंड है, 640 के नीचे ब्रेकडाउन होगा तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 640 का स्टॉप लॉस रख लें, इसके नीचे लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें, अदरवाइज किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग पोजीशन स्टॉक में नहीं लेनी चाहिए। ओके, 640 के लेवल को नॉलेज में रखें, ध्यान में रखें। MGL इसके नतीजे भी थोड़े कमजोर दिख रहे हैं सर अनुमान से, वागले साहब चार्ट पर राय। अनिल जी, चार्ट में मुझे 960 ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है, ऊपर में 984-85 में ये स्टॉक अटक सकता है, तो एक 10 रुपए नीचे 10 रुपए ऊपर ये रेंज में है, अवॉइड करें। 10 ऊपर 10 नीचे कुछ करने जैसा बचा नहीं, तो आराम से शांति से बैठिए, देखिए मूवमेंट आने दे बड़ा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या कुछ करना है। आइए, लेकिन दो बज चुके हैं, वक्त है वसीन साहब की पिक्स लेने का, तो आइए बिगुल के साथ करते हैं। वसीन साहब का स्वागत। स्वागत है वसीन साहब आपका। कई सारे स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, UPL अभी अभी मैं देख रहा था, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है और आपके टारगेट के बेहद नजदीक पहुंचा है। बताएं सर, पहले तो अपडेट और उसके बाद मैं आपसे फ्रेश कॉल्स लेता हूँ। सर, अपडेट ये है कि मार्केट तो अपनी दिशा में चल रही है, बट देर इज दोनों तरफ की मार्केट है, मेटल्स में थोड़ा सा पॉज है और IT और ऑटो में थोड़ा सा सखावट, लेकिन आज आपके साइक्लिकल्स अच्छा चल रहे हैं और फाइनेंस के स्टॉक्स, और फाइनेंस में भी NBFC आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल विद सर्टन मिड कैप बैंक। तो जैसे आपको कहा, आई एम पेसिमिस्टिक ऑन द ब्रॉडर मार्केट, बट सेलेक्ट स्टॉक्स में वी कैन सी आउट परफॉर्मेंस। तो अब आप कहें तो अपडेट में आपको UPL बहुत बढ़िया था सर, REC, PFC, गेल, वो सब चल के चल गए। आज मैंने ITC कहा है, मैं उसमें रिएट्रेट करता हूँ, ITC विल बी द स्टार ऑफ दिस नेक्स्ट वीक एंड द नेक्स्ट फॉर ऑगस्ट। अब आप कहें तो मैं दोनों कॉल दूं, दोनों बाय की है सर। जी सर बताएं प्लीज। सर पहला बाय है आपका, और ये स्ट्रक्चरल बाय है सर, आज अगर NBFCs में रिलीफ है सो फॉर फंडिंग में, तो उसमें सबसे बढ़िया प्ले होएगा सर LND फाइनेंस का भाव 62.5 रुपए है, मैं यहाँ रिस्क रिवॉर्ड 1.5 रुपए का रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ 68-70 का टारगेट दिख रहा है। ओके, तो L&T फाइनेंस खरीदारी करने की राय है। दूसरा स्टॉक सर, बिग सर थोड़ा सा स्पेकुलेटिव शेयर है और उसके, लेकिन उसमें मैं 2 दिन की गेम खेल रहा हूँ कि इन द सेंस
आज मैं ले रहा हूँ आइडिया 8.5 से 8.70 और 7.75 का स्टॉप लॉस है और 10 से 11.5 का टारगेट। सोमवार को आरबीआई के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है और जो रिजल्ट आए हैं उसमें उन्होंने जो लॉस दिखाया है वो एजीआर की प्रोविजनिंग है। आई थिंक द रिजल्ट ऑन द एबिटा फ्रंट वर वेरी गुड और आरपूज अब बाउंड टू राइज, तो ये 10 रुपए का 10-11 का टारगेट सोमवार मंगलवार को जरूर आएगा बिकॉज इसमें मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट विल गिव सम रिलीफ टू देम ऑन द स्टैगर्ड पेमेंट ऑफ एजीआर। तो एक थोड़ा सा स्पेकुलेटिव फंड है लेकिन जो लेना चाहे तो कर सकते हैं सर। एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, दोनों स्टॉक्स आपके लिए इंटरेस्टिंग है। एलएनटी फाइनेंस खरीदे 62.5 के आसपास, 61 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 68 और 70 के टारगेट के लिए। आइडिया खरीदें 8.50 8.75 में, 8.50 8.75 7.75 का स्टॉप लॉस है, 7.75 रुपए 10 रुपए और 11.50 रुपए के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब दोनों बेहतरीन पिक्स के लिए और मुलाकात होगी आपसे फिर से अब से ठीक 45 मिनट बाद 2:50 पर, आपसे लेंगे आपके कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स और पूछेंगे आपसे। आइए अब करते हैं रुख इवेंट्स का जिन पर हमें रखनी है नजर, बताने के लिए तैयार है हमेशा की तरह मानसी। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, वीकेंड भी है अब तो, कल परसों छुट्टी है ना। गुड आफ्टरनून जी सर, गुड आफ्टरनून सर, कल परसों छुट्टी है लेकिन इवेंट्स तो ढेर सारे हैं, इनफैक्ट मंडे को भी कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर फोकस करना होगा। लेकिन आज जो अगर नतीजों की बात करें, सिप्ला के नंबर्स अभी बाकी हैं, रैमको सीमेंट, कॉनकॉर, आरईसी, अमारा राजा बैटरीज, बाटा और साथ ही सीमेंस, इन नंबर्स पर फोकस रहेगा। साथ ही एफटीसी 7 अगस्त को, मतलब आज के दिन बोर्ड बैठक क्यूआईपी के इश्यू प्राइस को लेकर होने वाली है और आपको बता दें 1875 करोड़ का क्यूआईपी है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 3177.18 रुपए तय किया गया है। एजीएम एमएनएम आईसीएस प्रूडेंशियल और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के होने जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की 3 बजे एजीएम होने जा रही है जिस पर फोकस है। कैबिनेट सेक्रेटरी की पैनल आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर का चुनाव करेगी। कल की अगर बात करें हेक्सावेयर डीलिस्टिंग पर वोटिंग की आखिरी तारीख है ये और साथ ही वायदा बाजार में डिविज लैब के नंबर्स आएंगे। सोमवार के दिन जापान के बाजार बंद रहने वाले हैं और इस दिन आपको बता दें एजीआर भुगतान मामले पर अगली सुनवाई भी हो सकती है। एजीआर भुगतान के लिए कंपनियों ने 15 से 20 साल का समय मांगा है, इसी मामले पर सुनवाई होने की संभावना है। एक्सिस बैंक की बोर्ड बैठक होने जा रही है, क्यूआईपी के इश्यू प्राइस को तय करने के लिए बोर्ड बैठक होगी जिस पर फोकस होगा। इक्विटास 10 अगस्त को बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, नतीजे और साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी सोच विचार करेगी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडोग्लोब एविएशन दोनों कंपनियों की बोर्ड मीट्स होने वाली है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नतीजे और साथ ही बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे, वहीं इंटरग्लोब एविएशन पूंजी जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक करेंगे। रूस कोरोना के पहले वैक्सीन को रजिस्टर करेगा यह अनुमान लगाया जा रहा है, इस इवेंट पर फोकस होगा। ग्लोबली रिलेटेड इवेंट है, इस इवेंट में अगर कोई चेंजेस है अपडेट्स हैं हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। और नतीजों के लिहाज से सोमवार को श्री सीमेंट, टाइटन, पावर ग्रिड के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इक्विटास होल्डिंग और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आएंगे जिन पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो भरपूर एक्शन अभी भी आना है बाजार में और वहाँ पर नज़र रखते हैं, ये कुछ अहम इवेंट्स हैं। पर जान लेते हैं कुछ स्टॉक्स और कुछ नतीजे जो आज मार्केट्स खुलने के बाद आए हैं, जिसके लिए पूजा हमारे साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं बाजार खुलने के बाद, और इसमें सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले जो नंबर आए वो है एल्केम लैब्स। यहाँ पर मुनाफा कंपनी का बड़ा है, 187 करोड़ से बढ़कर 423 करोड़ कंपनी ने घोषित किए हैं और आय में भी अच्छी बढ़त हुई है, 1850 करोड़ से बढ़कर 2003 करोड़ के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं एल्केम लैब में, तो यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा एमएनएम के नतीजे आए हैं और मुनाफा हमारे अनुमान से थोड़ा कमजोर है, हम 195 करोड़ के अनुमान कर रहे थे, उसके सामने 112 करोड़ के फिगर्स आए हैं। और इसके अलावा जो मार्जिन्स हैं वहां पर भी कमी देखने को मिली है, 10.2% के मार्जिन फिगर्स कंपनी ने घोषित किए हैं 14% के सामने। मई जून में ट्रैक्टर बिक्री में तेजी दिखी है, बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, इस तरह के कमेंट्स भी निकल कर आ रहे हैं महिंद्रा महिंद्रा की तरफ से। तो कुछ और डिटेल्स आना बाकी है, जैसे जैसे आएगी वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमामी ने भी अपने नंबर्स घोषित किए हैं और यहां पर मुनाफे की बात करें तो बढ़त हुई है, लेकिन बाकी सारे फ्रंट पर
नंबर हल्के कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में गिरावट आई है, करीब 26% घटी है आय। कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 40% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। शोभा लिमिटेड के भी नतीजे आए हैं, नतीजे कमजोर हैं, मुनाफा घटा है 90%, आय में करीब 70% की गिरावट इस बार देखने को मिली, और जो कामकाजी मुनाफा है वो 40% में की कमी वहां पर देखी गई है। तो कमजोर नंबर शोभा की तरफ से भी। जॉनसन हिताची ने भी अपने नंबर घोषित किए, और ये जो कंपनी है ये मुनाफे से घाटे में आई है, और आय के फ्रंट पर भी हमने देखा कि कमी देखी गई है। 63 करोड़ मुनाफे के मुकाबले 23 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, और आय 952 करोड़ से घटकर 270 करोड़। और यूएफओ मूवीज, यहां पर भी कंपनी के नतीजे पर अगर नजर डाले तो मुनाफे के सामने घाटा ही दर्ज किया है। 8 करोड़ मुनाफे के सामने इस बार 33 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, और आय भी काफी ज्यादा वहां पर कमी देखी गई, 126 करोड़ से घटकर आय इस बार 17 करोड़ की कंपनी ने घोषित की है। कुछ न्यूज पर बात करें तो माइंड स्पेस रीट, इसका एक अपडेट आपको दे देते हैं। इश्यू प्राइस 275 था, लेकिन एनएससी और बीएससी पर 304 पर लिस्ट हुआ है, तो शानदार रिस्पांस यहां पर देखने को मिला। आईडीबीआई बैंक से जुड़ी भी एक एक्सक्लूसिव डिटेल आई है, अब जल्द पीसीए से बाहर जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। बैंक ने आरबीआई को पीसीए से बाहर कराने के लिए चिट्ठी भी लिख दी है, तो इस पर अब भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, यहां पर खबर आ रही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 31 जुलाई तक करीब करीब 60,000 करोड़ के लोन मंजूर हो चुके हैं, जिसमें कि पहले चरण के लोन जो है वो सितंबर तक बांटने का लक्ष्य है, और 2 महीनों में राज्यों को लोन ये जारी हो जाएंगे। तो इसके चलते जो पावर फाइनेंस कंपनी है और आरईसी जैसी जो कंपनियां हैं उन पर आप नजर रखिए। ओके, तो बहुत सारा एक्शन है बाजार में आज खुलने के बाद। आइए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं और जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ढेर सारे बजिंग स्टॉक्स इस समय। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वागले साहब हैं, सुमित जी हैं, किरण जी हैं, और विश्वेश चौहान भी हमारे साथ इस आफ्टरनून जुड़ रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। वागले साहब, आरबीएल बैंक से शुरुआत करते हैं, 8% की तेजी आ रही है इस स्टॉक पे इस समय, क्या दिख रहा है चार्ट पर सर, और एक्शन बनते हुए देख रहे हैं आखिरी 1.5 घंटे के लिए? पंचु, आई थिंक ये मॉर्निंग में मिस हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 181-182 में इसका ब्रेकआउट आया था, और जिस तरह से भागा है अभी एंटर करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं अभी वेट करूंगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये 194-195 तक जा सकता है, और मेरे लिए अगर एक ब्यूगल बजा देंगे तो मेरे पास एक कॉल है। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं वागले साहब के ब्यूगल के साथ। बताएं सर, बाय करके चलना है अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें एक ब्रेकआउट अभी अभी आ रहा है, वो लेवल है 190 का, 191 का रहा था, अभी 192 का भाव है, अभी के अभी ले ले, आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपया होगा 190-189.90 का, और ऑन द अपसाइड मुझे 200-202 के तक के लेवल्स आज के दिन में ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, अदानी एंटरप्राइजेस। वागले साहब का एकदम यहाँ पर व्यू क्लियर कट आता हुआ खरीदारी करने के लिए हाथ से। तो पहला कॉल आज के क्लोजिंग शो का वागले साहब ने अदानी एंटरप्राइजेस, वागले साहब अदानी एंटरप्राइजेस जस्ट डायल तो खैर अब रहा नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस जस्ट डायल और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये स्टॉक जब रिकमेंड करते हैं तब मुझे बड़ा मजा आता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि वागले साहब एकदम फुल फॉर्म में हैं आप। तो चलिए, वागले साहब की फॉर्म एकदम बिल्कुल परमानेंटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़े, एक एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में, उससे पहले विश्वेश जी आ चुके हैं, तो विश्वेश जी ने आज सुबह सुबह आपको एक बेहतरीन कॉल दी टीवीएस मोटर्स की, और उसके बाद स्टॉक में मजबूती आई भी, एक बार उस पर अपडेट ले लें और पूछ लें विश्वेश जी से। विश्वेश जी, कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवाइज करने तो बताएं। अनिल जी, हमने रिकमेंड की थी 420 के आसपास, और उसके पास में जिस हिसाब से मूवमेंट आया 427 तक गया, अभी देखिए पुलबैक आया है, मुझे लगता है ये पुलबैक का इस्तेमाल करना चाहिए एंट्री करने के लिए। ओवरऑल जब तक 410-405 के नीचे नहीं जाता है, 405 के नीचे मुझे लगता है 440 तक जा सकता है, और 440 पे जिस हिसाब से अनिल जी कॉल राइटिंग है, मुझे लगता है कि ये सीरीज में 440 तक के टारगेट तो देखने में नीचे। अनिल जी, हमने मॉर्निंग में एक और ट्रेड रिकमेंड किया था, हमने रिकमेंड किया था बैंक निफ्टी, मेरे ख्याल से 21,500 के आसपास 21,800 का टारगेट था, तो अभी देखिए 21,795 का हाई बना है, तो मैं मानता हूं कि शायद 5 पॉइंट के मार्क ग्रीस मार्क से मुझे पास कर देंगे, उसको टारगेट हासिल मारेंगे।
नहीं, पास तो आप होइए, 5 नंबर ग्रेस मार्क्स से तो आप एकदम डिस्टिंक्शन और रैंक में आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ एकदम तैयार। बैंक निफ्टी में तो विशेष जी का मतलब आपका कंपटीशन किसी से है ही नहीं बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा मेरे से है बस, थोड़ा बहुत विशेष जी, बाकी और किसी से है नहीं, चिंता ना करें। और मैं तो हमेशा आपके साथ हुई चिंता, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी तो गजब, बहुत ही बढ़िया, शानदार, फर्स्ट क्लास अनडाउटेडली। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अब आपके लिए चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। देखिए अनिल जी, अभी तक हमने केमिकल्स में रैली आती हुई देखी है और केमिकल के साथ पेंट्स का नाम भी जुड़ा हुआ है, और दोनों पेंट स्टॉक एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोनों एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहे हैं, और हमने बर्जर पेंट को चूज करा है। बर्जर पेंट में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर है, तो बर्जर पेंट पर खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और साथ ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मुकम्मल हुआ है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करना है बर्जर पेंट्स को। यहां पर 544 पर स्टॉप लॉस रख लें, 544 रुपए पर, 580 रुपए का पहला टारगेट और 590 रुपए का दूसरा टारगेट, तो 580-590 के टारगेट के लिए बर्जर पेंट्स में खरीदारी कराएं। ओके, बर्जर पेंट्स पर खरीदारी की राय। और आज सुबह मुझे याद है सचित जी ने एशियन पेंट्स पर खरीदारी दी थी और हिमांशु जी ने भी बर्जर पेंट्स पर खरीदारी की राय दी थी, बल्कि जो हिमांशु जी का टारगेट था बीटीएसटी कॉल पर जो उन्होंने दिया था वो अचीव हो गया, 550 का उन्होंने टारगेट दिया था, 536 पर था उस समय स्टॉक पर। अब आप और गेंस आते हुए देख रहे हैं, तो पेंट स्टॉक्स पर ज़रूर नज़र रखिए, बढ़िया एक्शन आपको वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और जय ठक्कर जो हमारे साथ एसपीएल मिड कैप शो में थे, उन्होंने भी कंजाय नेरलैक पर खरीदारी की राय दी थी। तो पेंट स्टॉक्स आज आपको तीन डिफरेंट पेंट स्टॉक्स पर एक्शन होते हुए दिखाया और तीनों पर कॉल्स भी आई हैं जी बिजनेस पर, तो नज़र रखिए इस स्पेस पर, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और किधर एक्शन है इस समय बाजार का। टाटा कंज्यूमर एक बार फिर से शानदार तेजी लगाते हुए 7% ऊपर है कल और आज में, बेहतरीन एक्शन इस स्टॉक पर आपने आते हुए दिखा है। और साथ ही जो हाई बीटा एनबीएफसी हैं वहां पर भी एक्शन है। सुमित जी, आपसे इक्विटास की बात हुई थी, आज उज्जीवन भी बढ़िया तेजी दिखा रहा है, फिर से खरीदारी आ रही है, 4% ऊपर है स्टॉक, क्या चल रहा है सर यहाँ पर, यहाँ पर कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? गुड आफ्टरनून दीपांशु, तेजी का ट्रेड बन रहा है, स्टॉक्स थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में है, आज पूरा इंडेक्स भी कंसोलिडेट कर रहा है और एकदम रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, तो जो सिलेक्टेड मूव देखने को मिल रहा है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है और वो अपसाइड का देखने को मिल रहा है। इक्विटास की कल बात हुई थी, तेजी देखने को मिल रही है, उज्जीवन भी अब यहां से तेजी करना चाहिए, लास्ट 4-5 दिनों के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो 245 के ऊपर निकलने पे इसमें तेजी और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और फिर 255 से 260 रुपए तक का अपसाइड मूव उज्जीवन में देखने को मिल सकता है। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है ट्रेडिंग के लिहाज से वो करीब करीब 233-235 के आसपास का है, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलें। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए उज्जीवन पर राय और यहाँ पर भी आप एक शानदार एक्शन आते हुए देख रहे हैं। एक और स्टॉक जहाँ पर आपने शानदार एक्शन आज आते हुए देखा है, अपोलो टायर्स। इस पर अमरीश बलीगा साहब जब एसपीएल मिड कैप शो में आए थे तो उन्होंने शॉर्ट टर्म पिक दी थी और साथ ही वागले साहब का भी कॉल था। वागले साहब, आपके टारगेट आने अभी बाकी हैं पर अच्छी मूव आ गई है, आज कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए ये ट्रेड इस मोमेंटम पर या फिर लेवल्स बुक कर लेने चाहिए और स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे सर इस पे? दीपांशु, स्टॉप लॉस हमने 121-121.50 के आसपास एंट्री दी थी, डे ट्रेडिंग के लिहाज से 3% की मूव आई है तो बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हो तो मेरा 128-129 का टारगेट बरकरार है, मुझे लगता है मंडे ट्यूजडे तक ये आना चाहिए, उसके लिए मैं स्टॉप लॉस इसका 121 पे ट्रेल करूंगा। ओके, ये है अपोलो टायर्स पर आपके लिए राय। अपोलो टायर्स तो आज वागले साहब, फिर उसके अलावा एसपीएल मिड कैप स्टॉक में हमारे अमरीश बालिगा साहब, उन्होंने भी रिकमेंड किया और एक और किसी ने की थी, तीन जनों ने आज रिकमेंड किया है अपोलो टायर्स, तो जबरदस्त रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है अपोलो टायर्स में और स्टॉक भी क्या जबरदस्त मूव दिखा रहा है। आइए अब फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता
चेतन भूटानी। आइए चेतन से समझते हैं क्या है खबर। चेतन बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। सर जो मेरे सोर्सेज अभी इस टाइम पे मुझे बता रहे हैं वो ये है कि वायर एंड केबल कंपनीज अपने प्राइसेस 4-5% आने वाले दिनों में दोबारा बढ़ाने वाली है। जी बिजनेस ने पिछले 10-20 दिन में रिपोर्ट किया था कि दूसरा प्राइस हाइक आ चुका है, अभी तीसरा प्राइस हाइक जो 2 महीने में आने वाला है वो और 4-5% तक का हो सकता है। सर अब ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले 2 महीनों में तीसरी प्राइस हाइक अब अगस्त में आने वाली है और मेरे सोर्सेस के माने तो ये प्राइस हाइक और भी आगे जाके बढ़ेगी क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस और क्रूड प्राइसेस से जो भी इश्यूज होते हैं वो सब इंडस्ट्री अभी फेस कर रही है। लेकिन इंडस्ट्री का कहना ये है कि जो भी आज तक इश्यू हुआ है वो कभी भी इंडस्ट्री ने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया है, हालांकि कस्टमर्स को हमेशा ईज आउट करने की बात करी जा रही है। राइजिंग स्टील प्राइसेस, राइजिंग क्रूड प्राइसेस, डॉलर डिमांड एंड डिमांड इश्यूज के चलते ये कंपनीज प्राइसेस बार बार इंक्रीज कर रही हैं। जो विजय कालिया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उनका भी यही कहना है। आइए अब आगे सुनते हैं। देखिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो करीबन कॉपर के प्राइसेस करीबन 20% बढ़े हैं, पॉलीमर्स के प्राइसेस 10-12% बढ़े हैं, स्टील के प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो हम लोग ने जो केबल वायर वालों ने जो प्राइसेस बढ़ाए हैं वो रॉ मटेरियल के इंक्रीज के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाए हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ और प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड कम है। तो इंडस्ट्री ने ये कोशिश की है कि एक साथ में ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ा करके धीरे धीरे बढ़ाए जिससे कि खरीदने वालों को भी असुविधा ना हो। और रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंडिया में टोटली डॉलर लिंक्ड होते हैं, तो इस हिसाब से भी आप देखने जाए तो रॉ मटेरियल प्लस कमोडिटी प्राइस इंक्रीज प्लस ऑयल इंक्रीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज क्योंकि डीजल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में एटलीस्ट अगले 1-1.5 महीने में प्राइसेस बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। तो ये है आपके लिए केबल और वायर के दाम बढ़ाने की तैयारी कंपनियों की। और चेतन आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी 2 बार बढ़ाने के बाद ये तीसरी बार ऐसा होने जा रहा है कि कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं और सीधा सीधा क्या इनके मुनाफे में जुड़ेगा? यस सर बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये तीसरा हाइक जो है अब अगस्त में आने वाला है, 2 हाइक पहले आ चुके हैं, दूसरा हाइक इनफैक्ट जी बिजनेस ने पहले भी रिपोर्ट किया था एक्सक्लूसिवली, ये तीसरा हाइक अब जी बिजनेस दोबारा एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट करने जा रहा है। सर ये मुनाफा डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट बुक्स में जुड़ेगा क्योंकि अगर कंपनीज को बार बार इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं डिमांड के, राइजिंग स्टील प्राइसेस के, राइजिंग कॉपर प्राइसेस के, तो वो उनको कहीं ना कहीं फैक्टर इन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे विजय कालिया जी ने कहा, ये जो प्राइसेस हैं ये धीरे धीरे प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करे जा रहे हैं, एक बार नहीं इंक्रीज करे जा रहे एकदम स्ट्रेट अवे ताकि कस्टमर्स को कोई इश्यूज ना फेस करने पड़े। इसलिए डेफिनेटली सर ये जो प्राइसेस हैं ये फैक्टर इन करे जाएंगे, जो प्रॉफिट बुक्स में भी आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर में भी रिफ्लेक्ट डेफिनेटली होंगे। ओके, तो केबल्स और वायर्स का कारोबार करने वाली कंपनियां फिनोलेक्स केबल, पॉलीकैब, हैवेल्स, इनके लिए ये अच्छी बात है कि डिमांड भले अभी तक मजबूती के साथ वापस फुल फ्लेज नहीं आई है लेकिन दाम बढ़ा रहे हैं और वो दाम बढ़ाकर उसका फ़ायदा ज़्यादा अपने पास रखें, कंज्यूमर्स को कम दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, और आपको याद होगा चेतन ने पहले भी ये खबर दी और पहले 2 बार ऑलरेडी कंपनियाँ कर चुकी है। चेतन एक्सक्लूसिव खबर ये लेकर आए, ऐसा लगातार तीसरी बार होने जा रहा है, तो ये बड़ी खबर है फिनोलेक्स केबल, पॉलीकैब और हैवेल्स जैसी कंपनियों के लिए जो वायर बनाने का काम करती है, इनके लिए मुनाफे में बढ़त होने की संभावना आगे चलते हुए बनेगी। आइए शुक्रिया चेतन आपका ये एक्सक्लूसिव खबर देने के लिए, और आइए अब वक्त है विशेष जानने का। जी विश्वेश जी बताएं सर। अनिल जी मेरी ओर से ट्रेड है वो है बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है, स्टॉक का नाम है सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल अभी 320 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पुलबैक आए तो भी खरीदना चाहिए। जिस हिसाब से सेंचुरी ब्रेक टेक्सटाइल में ब्रेकआउट आ रहा है मुझे लग रहा है ये स्टॉक 15-20% कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 310 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करना होगा। और जिस हिसाब से जिस इंटेंसिटी से वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट है 330-340 तो मुझे लगता है बहुत ही फास्ट आने चाहिए, तो
एक्चुअली टेक्सटाइल में विथ फुल फोर्स बाय करने की सलाह होगी। और जिस हिसाब से लास्ट दो तीन महीने के कंसोलिडेशन से निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदना होगा फ्यूचर्स में 320 के आसपास, 310 का स्टॉप लॉस, 330-340 तो टारगेट। ओके, 330 और 340 के टारगेट के लिए करें खरीदारी सेंचुरी टेक्सटाइल। और गजब का ओपन इंटरेस्ट बना है 29%। माय गॉड, एक दिन में इतना ओपन इंटरेस्ट पहले बनता हो कभी दिखा नहीं। तो आज पोजीशन तगड़ी बन रही है और स्टॉक 5-6% मजबूत है। इसका मतलब क्लियर कट है, तेजी की पोजीशन बन रही है और सुबह से बन रही है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक कुछ बड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आइए, बड़ा एक्शन सेंचुरी में तो होगा ही, इसके साथ साथ एक और स्टॉक है जिसमें होगा और वो बताएंगे सुमित जी। तैयार है सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक रडार पे आया है, खरीदारी करने का सलाह रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 27.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज स्टेबल मार्केट में 3% के आसपास का तेजी दिखा रहा है। तो जैसे ही बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी इन सब में मूव स्टार्ट होगा तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा अपसाइड मूव इस बार ही दिखाना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह का कैंडल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आज फॉर्म किया है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से 29.50 रुपीज से 30 रुपए का इमीडिएट टारगेट दिखाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें 29.50 से 30 के होंगे इमीडिएट टारगेट। और 30 रुपए का लेवल अगर तोड़ता है तो ये 32 रुपए तक का अपसाइड मूव भी दिखा सकता है। खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस नीचे में छोटा सा रखना है, 26.75 रुपया, 26.75 रुपया, 26.80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं 29.50 से 32 के टारगेट्स के लिए। ओके, 29.50, 30 और उसके पार निकला तो 32। ये है आपके लिए सारे के सारे टारगेट्स, ये आपके लिए खरीदारी करने की राय है सुमित जी की तरफ से। और सेंचुरी टेक्सटाइल ये खरीदने की राय आती हुई दिखी है विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी को बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न दिखाया है इसमें 340-300। मार्केट खूबसूरत है कि नहीं ये जानने की कोशिश करते हैं। आशु मदान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आशु जी बताइए, और अगर आप कोई स्प्रेड या पेयर देना चाहें तो मैं सीधा फिर बिगुली बजाऊँ आपके लिए। हाँ अनिल जी, कमेंट्री भी है, बिगुल भी है, सब कुछ ही बजा दीजिए एक ही बार में। ओके, तो बिगुल BTSTT वाला आशु सर के लिए, और उसके बाद उनकी कमेंट्री और साथ ही निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पर जो भी है स्ट्रेटेजी। बताएं सर। अनिल जी, निफ्टी का जो अपना व्यू है वो सेम व्यू है, 10,900 और ऊपर 11,300-11,350 जो हाई बना था। 11,300 से एक 400 पॉइंट की अच्छी करेक्शन देने के बाद वापस निफ्टी आया, तो अनिल जी ये हेल्दी करेक्शन है और ये बायस पॉजिटिव दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कोई ये जो भागो पकड़ो वाला मार्केट अभी भी नहीं दिख रहा है। जो डेटा बता रहा है वो बायस पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन रेंज के अंदर है। तो अनिल जी, एक निफ्टी का स्प्रेड है, उससे पहले अनिल जी मुझे स्प्रेड देना है स्टॉक का, क्योंकि निफ्टी में इतना फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक में भी एक स्प्रेड है और कुछ अपडेट भी है, मैं एक साथ देना चाहता हूं। तो अनिल जी, आपने जो बिगुल बजाया वो है BPCL के लिए। अनिल जी, BPCL में बाइंग करनी है लेकिन मेरी बाइंग करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मुझे 400 रुपये की अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है जिसका भाव है 2829 रुपये, और 430 की एक कॉल बेचनी है। सो अनिल जी, BPCL में बाइंग करनी है। 480 रुपये वाला स्टॉक 410 आ चुका है, ऑब्वियसली वो डिसइन्वेस्टमेंट के चक्कर में नीचे आया और वहाँ पे जब हम शॉर्ट कॉल भी देते थे कि ओवरबॉट हो जाता है, इस तरह से अनिल जी इस वक्त बिल्कुल डिप्रेस खड़ा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो अनिल जी, ये भाग के जाने वाला स्टॉक नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है। 400 रुपये का इन द मनी कॉल लेना है 2829 में और 430 का बेचना है। अनिल जी, इसकी कॉस्ट आएगी 14-15 रुपये। 14-15 रुपये कॉस्ट का मतलब है कि मेरा 414-15 का BPCL लॉन्ग खड़ा हो गया, जिसका भाव है अभी 418। और इस मंथ के लिए अनिल जी मुझे ये रखना है BPCL, इसमें कम से कम नहीं तो 10-20 रुपये का मिलेगा अनिल जी, 1800 का लॉट है। अगर 15 रुपये भी मिलते हैं तो अनिल जी 20-25 हज़ार का प्रॉफिट होता है। अनिल जी, मैं इसकी एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ, मतलब कि क्यों मैं ये स्प्रेड बनाता हूँ 1:1 के, प्लेन वनीला क्यों नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अनिल जी, आपको ध्यान होगा परसों ग्लेनमार्क की कॉल दी थी और ऐसे ही स्प्रेड बनाया था 440-480 का, तब ग्लेनमार्क का रेट था 448। कल ग्लेनमार्क था 465 रुपये, आज सुबह भी 465 रुपये था। तो अनिल जी, कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टॉप लॉस से फ्यूचर भी लिया होगा और बुक भी कर लिया होगा,
लेकिन अनिल जी जिसने 465 या 460 के ऊपर ले लिया, अगर वो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएगा, आप देखिए 453 है, क्योंकि इस वक्त करेक्शन फार्मा में एक दो दिन की हो सकती है क्योंकि ऊपर जा रहा था। तो ये जो अनिल जी उतार चढ़ाव रहता है, ये हर वक्त आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता, लेकिन एंड में जहां पहुंचना है। सिमिलरली टिस्को को देखिए सर, कितनी कंसोलिडेशन के बाद अल्टीमेटली जो भाव आना था 100 रुपए ऊपर का खड़ा हो गया। तो ऐसे में अगर स्टॉक पॉजिटिव आप हो और कन्विक्शन है, तो अनिल जी ये स्प्रेड आपको हेल्प करता है। वो 10-10 रुपए का अनिल जी, वो 10-10 रुपए का अनिल जी, ग्लेनमार्क का भी 2300 शेयर का लॉट है, तो 10 रुपए में 23,000 रुपए का लॉस हो जाता है। तो इन चीजों के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि इस तरह का स्प्रेड बनाएं। बीपीसीएल का ये स्प्रेड है। अनिल जी एक और स्प्रेड है, वो है मेरे फेवरेट स्टॉक भारती का। और अनिल जी ये स्प्रेड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस स्प्रेड में अनिल जी, इस स्प्रेड में अनिल जी 560 की एक पुट लेनी है, 560 की एक पुट लेनी है और 540 की दो पुट बेचनी है। अनिल जी इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 2 रुपए। 560 की भारती की एक पुट लेनी है, 540 की दो पुट बेचनी है, इसमें आपको क्रेडिट मिलेगा 2 रुपए। अनिल जी आप सेफ कहाँ तक है? 520 तक। तो अनिल जी जिन लोगों ने भारती नहीं उठाया या जिन लोगों को भारती का नया ट्रेड करना है, उनके लिए अनिल जी ये स्प्रेड है कि 520 रुपए में मैं डिलीवरी उठाने के लिए तैयार हूँ। इसका अनिल जी एक और भी कारण है, भारती अभी टेम्परेरीली ओवरबॉट है, इन स्पाइट ऑफ मैं व्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेट व्यू पॉजिटिव है। 700 का भाव भी मिलेगा, 800 का भाव भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है 2 महीने वो उसी रेंज में रहे और 550-40 के रेंज में रहे। तो ऐसे में अनिल जी जो आपको करना है कि अगर 540-50 आता है तो मुझे इसमें भी अनिल जी 1520 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अब पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, अपसाइड पूरी सेफ है। तो अनिल जी इस भाव से मेरी भारती की बाइंग भी हो जाएगी और मैं इस चीज, इस ट्रेंड में बैठ जाऊंगा कि अगर नीचे थोड़ा बहुत आता है तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे अगर भारती नहीं भी मिलता। तो अनिल जी ये मंदी का सौदा नहीं है, ये है तेजी का ही सौदा, लेकिन भारती में ये नहीं सोचा कि मैं मंदी में हूं। तो अनिल जी भारती में ये एक बियर स्प्रेड बनाना है 1:2, बीपीसीएल में बुल स्प्रेड बनाना है 1:1, ये दो स्टॉक्स की कॉल है अनिल जी। जी बिल्कुल, तो ये दो है आपके लिए बेहतरीन कॉल्स। एक चीज मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, सीधे सीधे फ्यूचर खरीदते हैं और बेचते हैं, उन लोगों को आशु सर की वो स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और लागू करनी चाहिए, जिनमें वो फ्यूचर को ऑप्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन इस तरह से वो खरीदते हैं या ऑप्शन में इस तरह से ट्रेड करते हैं कि वो आपकी फ्यूचर की पोजीशन खड़ी हो जाती है, और ये बेहद इंटरेस्टिंग है। इससे आपकी रिस्क हो जाती है लिमिटेड, आपके पोजीशन खड़े रखने की ताकत बढ़ जाती है और मुनाफा आपको मिल जाता है। बीपीसीएल 418 पे ट्रेड कर रहा है, 400 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और 430 वाला कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, और इसकी कॉस्ट आई आपकी 1415 रुपये। और ये 418 तो भाव चल ही रहा है, तो आपके एक तरह से 415-16 में आपने फ्यूचर खड़ा कर लिया। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि अगर बीपीसीएल अनऑप्शन आप बढ़ गया कि 450-60 हो गया तो आपका रिटर्न लिमिटेड रहेगा, लेकिन आपके लिए साथ में रिस्क भी लिमिटेड है। फ्यूचर में आप ट्रेड करके कोई 50-100 रुपये तो वैसे भी खड़े नहीं रहते हैं। जो लोग फ्यूचर खरीद कर 2-3% 4% में बुक कर लेते हैं, उनके लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लाइफ में आगे बहुत काम आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। एनीवे मैं आगे और विस्तार में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले विश्वेश जी तैयार है। विश्वेश जी के स्टॉक ऐसे होते हैं उसके लिए ज्यादा देर आप इंतजार कर या करवा नहीं सकते क्योंकि भाग जाते हैं। तो विश्वेश जी के विशेष तैयार है। बताएं सर। अनिल जी, मेरी ओर से राय है वो है स्टॉक इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में, और इनफैक्ट मैं इससे इंडसइंड बैंक करीबन 511 के आसपास चल रहा है, तो एक दो लाइन है मैं कहना चाहूंगा, और ये आशु जी बुलिश हुए हैं उसके ऊपर अर्ज है, तो यू नो इरशाद फरमाए, हर रोज गिरकर भी मुकल्लम खड़ा हूँ। और ये जो मुकल्लम वर्ड है ये कुणाल जी का है, हर रोज गिरकर भी मुकल्लम खड़ा हूँ, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो आशु जी हर रोज मंदी करते हैं, कभी कभी बुलिश होते हैं, तो मैं थोड़ा खुश हो गया उसके चलते। तो मेरी ओर से राय है इंडसइंड बैंक खरीदने की, 511 का रेट चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ब्रेकआउट आ रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है, 499 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, अपसाइड में 535-540 तक के टारगेट रहेंगे। अरे भाई साहब, वो मुकल्लम नहीं है, मुकम्मल है। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, मुकम्मल है वो, मुकल्लम नहीं है। उर्दू मतलब बड़ी खूबसूरत अच्छी लैंग्वेज। जी आशीष जी, जी जी
अनिल जी मैं एक और एक चीज और कहना भूल गया कि जो विश्वेश ने सेंचुरी की कॉल दी है, हमारे हमने भी जेएम रिसर्च में एक डेढ़ घंटा पहले कॉल दी थी अनिल जी 312 रुपए पे, और अपना भी सेंचुरी में बहुत पॉजिटिव व्यू है, 325 से लेके 335 तक का टारगेट है, तो मैं सेंचुरी में भी बिल्कुल विश्वेश के साथ हूँ। और अनिल जी मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी मेरी और विश्वेश की पिछले 10 या 12-15 दिन में बात नहीं हुई है, लेकिन हमारी बिना बात के लोगों ने इतने बिल फाड़ दिए, तो मैं तो उस चीज को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे लगता है विश्वेश भी जरूर एंजॉय कर रहा होगा उसको। मैं तो कर रहा हूँ, बाकी कोई कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ, बाकी का पता नहीं, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन देखिए वो कहते हैं एक वो जो है ना वाक्य वो याद रखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आपके दोस्तों के बीच, आपके परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, राय अलग अलग हो सकती है, और यहाँ तो मार्केट है, हर सेकंड दो लोग अलग राय रखते हैं तभी ट्रेड होता है, एक को बेचना है एक को खरीदना है, और दोनों एक दूसरे के मुकाबले में अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं, इसीलिए वो एक्शन लेते हैं। वो अलग बात है कि बाद में कौन समझदार है या दोनों ही समझदार नहीं निकलते, वो एक अलग चीज़ है, मार्केट की ये खूबसूरती है। लेकिन पॉइंट यही है कि जब आपके दो अलग अलग राय है तभी आपके एक ट्रेड हो रहा है, तो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, दिल से एक होने चाहिए, और दिल से आप सब लोग एक हैं, इसीलिए देखिए सेंचुरी की कॉल अगर विश्वेश जी ने दी तो पूरी तरह से स्वागत भी किया आशीष जी ने, सेंचुरी अब सेंचुरी लगा सकता है, आशीष जी का भी साथ है आपके लिए। तो ये है वो स्टॉक जिस पर आपको फोकस करना है, इंडसइंड बैंक और बाजार इस बीच मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ओवर टू यू दीप, चलिए 2:30 बजे का काम पूरा कर लें। बिल्कुल अनिल जी, और अभी थोड़ी देर पहले बाजार में भी अच्छा उछाल आया, तो सही समय है, जान लेते हैं 2:30 बजे की अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, 5 दिन की शानदार तेजी के बाद अमेरिकी बाजार आज थोड़े प्रेशर में दिख रहे हैं, हालांकि ये फ्यूचर्स प्राइसेस हैं, ऑफ कोर्स खुलने के बाद देखते हैं दोनों तरफ का एक्शन हो सकता है, बट 0.5% की गिरावट के साथ डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स दोनों आपको इस समय ट्रेड करते दिखेंगे, 150 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स। यूरोप की भी सुस्त शुरुआत हुई है, ज्यादा भारी गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट 0.5% तक की गिरावट आप देख रहे हैं यूरोप के बाजार में। एशिया के बाजार आज कमजोर रहे अनिल जी, चाइना 1% गिरा, हांगकांग 1.5% नीचे था, जापान में भी 0.5% की गिरावट थी, और थोड़ा दबाव आप कच्चे तेल और गोल्ड में देख रहे हैं रिकॉर्ड स्तरों के बाद, तो हल्का सा दबाव का एटमोस्फियर जरूर दिख रहा है। जहां तक ग्लोबल बाजार का सवाल है अनिल जी, बताइए अब क्या करना चाहिए वीकेंड से पहले? दीप, ऐसे कोई समस्या बड़ी दिखने नहीं, हाँ ये जरूर है कि आप ये कहेंगे कि ऐसा कोई मूड माहौल ऐसा नहीं कि आप कूद कूद कर ले लें, लेकिन लेने के लिए लेवल्स मिले उसे छोड़े ना। आज सुबह भी देखिए आपको याद होगा जब एसजेक्स 30-40 पॉइंट नीचे था, मैं आपको कह रहा था कि आपको दिन के दौरान लेवल मिलेगा, और आज आपने सुबह सुबह सवाल बहुत ही तगड़े तगड़े वाले पूछे, और मतलब मैं आपको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप किस क्वालिटी के सवाल पूछते हो उससे सामने वाले से आप निकाल पाते हो, तो कई बार ये होता है कि मैं खुद बाद में सोचता हूँ कि अरे आपने ये सवाल पूछा और मैंने इसका जवाब कैसे दिया, तो वो बहुत एप्ट सवाल था कि इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, और वो ट्रेड करने का तरीका ये कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेवल का इंतजार करना पड़ेगा और कॉन्ट्रा ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए कितने परफेक्ट लेवल मिले हैं आपको सुबह, 11,142 का लो, 50 पॉइंट वहां से निफ्टी बनता है, और शुरुआत के 3 मिनट में ही आपको 5 मिनट में ये लो मिल गया, वहां से आप ले सकते थे। 21,450 का लो, 21,375, 21,450 आज की परफेक्ट रेंज दी थी डे रेंज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, एग्जैक्टली 21,451 का लो आज बैंक निफ्टी का, मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से आप देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पहुँचा है, लगभग 350 पॉइंट वहाँ से ऊपर आ चुका है, 300-350 पॉइंट। तो आप अगर लेवल से ट्रेड करेंगे, अब आपके हाथ से वो लेवल निकल गए, अब आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी अभी तक कहीं कोई सेल जोन के आसपास नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर 21,925 की रेंज में आता है, 21,850 के ऊपर आता है, तो वहां पर हम प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे 21,900-21,950 के आसपास देखते हैं। तो अभी लेने के लिए परफेक्ट लेवल है 21,650। मैं और विश्वेश जी कल भी बात कर रहे थे कि जैसे 21,650 पार किया समझ में आ गया कि ब्रेकआउट हो रहा है, यही चीज कल पॉलिसी के वक्त भी लगी थी, यही चीज आज भी लगी है, 21,650 पिछले 8 दिनों में 3 बार 21,650 पे बैंक निफ्टी क्लोज दे चुका है, वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट है बुल्स और बेयर्स के हिसाब से। तो अब आप बचे हुए समय के लिए 21,650 पे नजर रखिए, वहां पर वापस आते तो खरीदारी कीजिए, 11,200 पर वापस आते तो खरीदारी कीजिए, इमीडिएट जो लेवल आपके लिए है निफ्टी पर 11,250 के हैं, बैंक निफ्टी पर
21800 से 21925 की रेंज के बनेंगे, उसमें कहीं कहीं आप जाकर रुकेंगे, तो इन लेवल्स के लिए वेट करना है, बट अदरवाइज परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक डेटा का सवाल, मैं आपको बता दूँ 11200 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। और दीप एक चीज़ और, हाँ सॉरी मैं बताना कैसे भूल गया, आज की क्लोजिंग अगर 11200 के ऊपर होती तो ये बेहद 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 इंटरेस्टिंग और बड़ी होगी, और ये क्लोजिंग आपको इस बात की ओर इशारा करेगी कि एक करेक्शन जो 10900 तक होना था वो हो गया और बाजार फिर 11500 पहले दिखाएगा। सुनिएगा गौर से, अगर आज 11200 के ऊपर आप बंद होते तो 11500 11450 की तरफ बाजार पहले बढ़ेगा, वापस 10900 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 11200 के लेवल पर वीकली एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन में 25 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और उसको पार करते आपके लिए बैंक उसको पार करते निफ्टी पर शॉर्ट कवरिंग का एक मौका बनता है। तो आज जिस लेवल से जिस तरह से आप पार करके ऊपर निकल रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो लेवल बैंक निफ्टी पर 22000 का है, जो थोड़ा दूर है। 22000 बैंक निफ्टी पार करेगा तो बैंक निफ्टी में आग लगेगी, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए 22000 पार करना मुश्किल है, एक झटके में नहीं होगा। लेकिन निफ्टी ने जो 11200 का लेवल दो बार पार करने की कोशिश की है, मुझे लगता है निफ्टी ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। भले आपको गेंस कम दिख रहे हो कि 1/4% मजबूत है, बैंक निफ्टी ज़्यादा है, लेकिन जिन लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज देने की तैयारी कर रहा है वीकली क्लोजिंग 11200 के ऊपर की, ये बड़ी तेजी का इशारा आपके लिए बन सकता है। फिर 11400 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, और डेटा मजबूत होते दिख रहे हैं निफ्टी के, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। जी दीप, बिल्कुल, तो डेटा मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है इन लेवल्स पर, यहाँ से अगर थोड़ी और नीचे के लेवल्स मिले तो परफेक्ट बाइंग जोन्स होंगे आपके लिए बाजार पर। तो ये है इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी, खरीदारी करिए, देखते हैं किन लेवल्स पर क्लोजिंग होती है और उसके बाद आपको और तेजी मिलती है कि नहीं। तब तक विश्वेश जी के पास एक और कॉल तैयार है, बिगुल बजाते हैं विश्वेश के विशेष का। बताइए विश्वेश जी। देखिए, ये कंटिन्यूएशन है टू व्हाट अनिल जी सेड, और अनिल जी और मेरा बैंक निफ्टी का जब व्यू मैच करता है तो रॉकेट होता है मुंह। तो सुबह जब हमने बाय दिया था तो वहां से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट चल चुका है, यू नो। तो अब मुझे लग रहा है, देखिए मार्केट में आज के दिन का जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग मैं रीड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, वो ये है कि 22000 के 13 अगस्त के कॉल में 370000 में 373000 ओआई ऐड हुआ है, और 21500 के पुट में भी 300000 ऐड हुआ है। मेरा मानना है ये आइडेंटिकल ओआई है एंड इट इज अ शॉर्ट स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मतलब नीचे की पुट और ऊपर का कॉल, और दोनों को बीचा गया है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्केट चल रहा है 21800 बराबर बीच में, और इन दोनों का कंबाइन प्रीमियम 230 प्लस 230 मतलब कि 460 रुपए चल रहा है, राइट। तो मुझे क्या लग रहा है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 21500 की पुट को स्वाहा कर दीजिए, मतलब बेच दीजिए, और 22000 के कॉल को भी आप स्वाहा कर दीजिए, तो कंबाइन आपको 480 रुपए का क्रेडिट बनेगा। अब मैंने जब स्ट्रेटेजी चेक करी तो मुझे समझ में आया कि 21500 की पुट का 30 रुपए थीटा है, मतलब टाइम वैल्यू है, और 22000 की कॉल है उसका भी 30 रुपए, तो 60 रुपए। दो दिन छुट्टी जा रही है तो कुछ नहीं होगा, तो 120 रुपए आपके घर में आ जाएंगे। और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अभी तो आशुष जी का मोरल सपोर्ट और एक्सटर्नल इंटरनल सब सपोर्ट है, तो बहुत जोर से गिरने नहीं वाला है। तो मुझे लग रहा है कि मंडे तक ये रेंज में रहेगा, आपको बिना कुछ करे हुए 150-200 रुपए बन जाएंगे। तो 21500 की 22000 का कॉल बेचिए, कंबाइंड क्रेडिट कलेक्ट कीजिए 460-480 रुपीस का, और मंडे को आप इस ट्रेड को स्क्वायर अप कर लीजिए। तो मेरी ओर से ट्रेड होगा शॉर्ट स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल बेचना है, ऊपर का कॉल नीचे का पुट, क्रेडिट कलेक्ट करना है और मंडे को स्क्वायर अप करना है। परफेक्ट, ओके, ये है विश्वेश जी की राय। और आइए अब वक्त है बिगुल का, और ये बिगुल है आशु सर के लिए, उसके बाद निफ्टी पर निशाना लगाएंगे नितिन जी, लेकिन आशु जी के लिए बिगुल। उससे पहले आशु जी आपके पास आओ, उससे पहले किरण जी से एक राय लेनी है, और मैं किरण जी से पूछना ये चाहता हूँ, किरण जी आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप किसका कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया, क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर आपके दोनों बजाज ये तो भागे जा रहे हैं भाई। बिल्कुल अनिल जी, बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है, पर अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं बैठ रहे इसलिए वो फ्रेश कॉल नहीं आएगा, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंसल्ट होने के बाद वापस एक बार फ्रेश कॉल आ जाएगा। बजाज फाइनेंस वैसे भी अभी अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस है तो 3400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 3600-3650 की तैयारी हो रही है, पर थोड़ा सा अगर और कंसल्ट करता है तो एक प्राइस पैटर्न बनेगा जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस नजदीक हो जाएगा। कोई भी ट्रेड लेते हुए हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होने चाहिए, तभी एक ट्रेड बनता है।
ओके ठीक बात है, परफेक्ट। वो तो मैं समझ ही गया कि अगर ऐसा कुछ होता तो बाटा बजाज वगैरह ये तो आपसे छूटते नहीं, आपकी लिस्ट में हमेशा तैयार रहते हैं। आइए आशु जी तैयार है, बिगुल है बीटीएसटी का, नहीं नहीं बीटीएसटी का नहीं, सिंह के सुल्तान आशु मदान। जी आशु जी बताएं सर। जी एक उससे पहले मैं एक और चीज, अभी जो विश्वेश ने स्ट्रैटेजी दी शॉर्ट ट्रायंगल की, उस पर भी ऐड करना चाहता हूँ। हमारा भी व्यू यही है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, ज्यादा मंदा नहीं है और एक लेवल के ऊपर नहीं है। और हमने अनिल जी बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी में स्ट्रैटेजी दी है शॉर्ट ट्रायंगल की, 10,900 और 11,400 की कॉल बिकवाई है और बिल्कुल प्रिसाइजली उसी रीजन से बिकवाई है जो विश्वेश ने अभी एक्सप्लेन किया। बट वो बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, प्लस बैंक निफ्टी के मालिक आप और विश्वेश हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अनिल जी। बट निफ्टी में सिमिलर स्ट्रैटेजी विद अ सिमिलर थॉट प्रोसेस बनाई है कि रेंज में रहेगा। अनिल जी अब एक बीटीएसटी कॉल है, वो कॉल है कमिंस इंडिया की। अनिल 412 उससे पहले आशीष जी एक मिनट, आप एक मिनट आशीष जी, आप बीटीएसटी कॉल दें उससे पहले एक सेंटेंस में खाली बोल रहे, उस पर आप रिएक्शन मत दीजिएगा, विश्वेश जी भी ना दे, दोनों रिएक्शन ना दे, लेकिन बोलना मैं जरूर चाहता हूँ। वो ये कि आप दोनों के विचार इतने ज्यादा मिल रहे हैं ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मजा नहीं आ रहा है। आप दोनों के विचार जब कम मिले ना मिले तो ज्यादा मजा आता है। इस बात पर चर्चा मस्ती की पाठशाला में होगी, अभी नहीं, अब आप अपनी स्ट्रेटजी दीजिए। जी बताएं सर। अनिल जी बाय करना है क्यूमिंस इंडिया, 412-13 का रेट है क्यूमिंस का, 400 रुपए के स्टॉप लॉस है अनिल जी, 430 से 435 रुपए का टारगेट है। सेफ स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, थोड़ा लो बीटा भी है, बट लगता है कि अब इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। तो अभी हमने अपने क्लाइंट से अभी ये शेयर किया है इसी रेट पे, और अब व्यूअर से भी शेयर कर रहे हैं क्यूमिंस इंडिया में बाय कॉल है जी। ओके परफेक्ट, क्यूमिंस में खरीदारी की राय, 400 का स्टॉप लॉस, 430-435 का टारगेट। ओके आइए अब राजेश जी हमारे साथ तैयार है, राजेश पालिया साहब वक्त है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। बताएं राजेश जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी जो पहला ऑप्शन ट्रेड रहेगा वो रहेगा अडानी इंटरप्राइजेस में। अडानी इंटरप्राइज में देखें तो जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में डेली वीकली चार्ट पे, स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी अच्छा बाइंग एक्शन स्टॉक में पिछले हाफ एन आवर में देखने को मिला है। तो ये अडानी इंटरप्राइजेस का सेटअप ये दर्शाता है कि ये स्टॉक अब 200 की तरफ, 200 प्लस के लेवल अब इसमें दिखना चाहिए। तो हम जो इसमें 195 का कॉल ऑप्शन एट द मनी का बाय करेंगे जो कि करीब 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 6 रुपए के, और हमें लग रहा है 205 तक के टारगेट अडानी इंटरप्राइज में आना चाहिए एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। तो ये ऑप्शन का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से 15 रुपए से 17 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो अडानी इंटरप्राइजेस का 195 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 9 रुपए में, 6 रुपए स्टॉप लॉस रखेंगे, 15 और 17 रुपए इसके टारगेट होंगे, ये पहला ऑप्शन रहेगा। और दूसरा ऑप्शन जो रहेगा वो स्टॉक रहेगा यूपीएल। यूपीएल में जिस तरीके से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से जो बाइंग एक्शन देखने को मिला, कल के सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग थी, आज थ्रू आउट द डे देखे तो एक काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली स्टॉक में, जिस तरीके से मोमेंटम है तो 490 का कॉल ऑप्शन इसमें बाय करना चाहिए। 510-515 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक 510-515 तक मूव एक्सटेंड करना चाहिए। तो जो कॉल ऑप्शन हम 16 रुपए में बाय करेंगे अभी 490 का, वो उसका टारगेट हम रखेंगे 24 रुपए से 28 रुपए तक के, ये टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 11 रुपए का, तो 11 रुपए के स्टॉप लॉस से 490 का कॉल ऑप्शन यूपीएल का बाय करेंगे 24 रुपए और 28 रुपए के टारगेट के लिए। ओके तो ये है दो कॉल ऑप्शन आपके लिए खरीदारी करने की राय। अदानी एंटरप्राइजेस का कॉल 195 वाला खरीदना है 9 रुपए में, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 और 70 रुपए के टारगेट के लिए। यूपीएल वाला एक और कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। यूपीएल तो आज सुबह सिद्धार्थ सेदानी साहब ने रिकमेंड भी किया था और सिद्धार्थ जी भी खुश हो जाएंगे कि चलिए अब टेक्निकली और वायदा कारोबार के लिहाज से भी खरीदारी आती हुई दिख रही है। सिद्धार्थ जी तो गजब कर गए, आज तीसरी बार ऐसा हो गया, कमाल ही है भाई साहब। पिक ऑफ द डे तो सिद्धार्थ जी की है, मां कसम क्या बात है। जिस दिन TCS रिकमेंड किया 4% ऊपर, पिछली बार सिप्ला रिकमेंड किया 5% ऊपर, आज UPL रिकमेंड किया ये भी 5% ऊपर, निफ्टी के स्टॉक पिक ऑफ द डे में ये रिकमेंड करने का कमाल सिद्धार्थ जी कर सकते, तो गजब मानना पड़ेगा, ये है आपके लिए राय। अच्छा एक बार UPL का कॉल आपके सामने मैं रख दूं, 490 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको 16 में खरीदना है और स्टॉप लॉस लगाना है 11 का और आपके लिए टारगेट 24 से 28 रुपए का। नितिन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिख रहे हैं और नितिन जी के लिए हम अगर तैयार हैं, तैयार हैं
हम भी तैयार हैं, और नितिन जी का निशाना भी तैयार है और अचूक है, बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का काम। स्वागत है नितिन जी आपका, बताएं सर खरीदना है ना निफ्टी, बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है जी। बिल्कुल 11200 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 117 118 रुपए चल रहा है। आ जाओ सर, आ जाओ मैदान में, करंट रेट पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 85 का, स्टॉप लॉस होगा 85 का, और टारगेट हम रखेंगे 150 से 155 रुपए का, 11200 की कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 11200 एंट्री किस लेवल पे करनी है सर? करंट रेट पे अनिल जी, 118-120 करंट रेट पे एंट्री का। और इस कॉल को आप आज के दो, कल के 2000 के तौर पर मेरी तरफ से भी ये कॉल समझ लें, चाहे तो आप बाद में बिगुल बजा दें। एग्जैक्टली मेरी भी राय है निफ्टी खरीदारी करने की, और अभी थोड़ी देर पहले मैं डेटा देख रहा था, मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि 2:45 पर अगर कोई स्विंग आनी है तो आ जाए। एग्जैक्टली 11200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय, और मैं नितिन जी के साथ हूँ निफ्टी के कॉल ऑप्शन के मामले में, और मेरा भी टारगेट कम से कम 11300 से 11325 का मिनिमम बनते हुए नजर आ रहा है। तो निफ्टी आराम से खरीदें, 11200 का कॉल ऑप्शन, 118-120 टारगेट और स्टॉप लॉस जो नितिन जी ने बताए वही रखें, और हो सकता है आपको काफ़ी कुछ इस टारगेट में आज ही गेंस आते हुए नजर आए। तो निफ्टी तैयारी कर रहा है तेजी के लिए, अगर आज ही 11250 के आसपास आ जाए, जिनको डे ट्रेड के लिए आज से करना है तो वो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, अदरवाइज सोमवार के लिए 11300-11325 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बेस्ट तो ये कि आज ही अगर प्रॉफिट बन जाए तो आज भी कर सकते हैं। तो नितिन जी की तरफ से ये खरीदारी करने की राय है निफ्टी पर, और यहाँ पर मेरी तरफ से भी पूरी तरह से उनको सहयोग और सपोर्ट है। नितिन जी इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी या ओनली निफ्टी है तो निफ्टी का वक्त है? जी एक डेटा मैं शेयर करता हूँ, आज बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट अनकॉमन है, 24-25% का है, और वो नीचे इसका मतलब लग रहा है कोई बाइंग हुई है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी यहाँ से मूव कर सकती है, और निफ्टी में भी बहुत अच्छा डेटा भी लास्ट आधे घंटे में बना है, तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। बट मेरी जो कॉल है वो निफ्टी की ही है, बट बैंक निफ्टी का मैं एक व्यू दे करके चल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में आप चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कॉल्स में ट्रेड की जा सकती है। ओके, बैंक निफ्टी के भी कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, और जो खरीदना है वो आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं विश्वेश जी, तो विश्वेश जी के लिए भी आप विश्वेश जी की तरफ से और नितिन जी की तरफ से भी डेटा मजबूत हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ये आपके लिए साफ साफ है। ओके, इस बीच भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, तब तक जल्दी से एक बार सुमित जी का सुपर हिट ले लें और उसके बाद भसीन साहब की लेंगे पिक्स। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी ऑप्शंस पे काम करने का सलाह रहेगा, फेडरल बैंक का 54 रुपए वाला कॉल 2.80-85 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 9 से 10 दिन के फॉल के बाद, 3 से 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद फेडरल बैंक का आज पहला दिन है जब ये अपसाइड मूव दिखा रहा है, अगले हफ्ते कुछ अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा ऐसा लगता है। 54 रुपए के आसपास फेडरल बैंक अभी ट्रेड कर रहा है, जिस तरह से कैंडल बन रही है और जिस तरह से लास्ट 3-4 दिन के हाई टूट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ऐसा लग रहा है फेडरल बैंक में यहाँ से ऊपर में 57 रुपए से लेकर 58 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए फेडरल बैंक का 54 वाला कॉल अभी खरीदारी करें, नीचे में 2 रुपया 2.10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए 54 रुपए वाली कॉल में, और जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4 से 5 रुपए ऊपर के, अगर वो नेक्स्ट वीक में देखने को मिलते हैं तो उसके हिसाब से इस 54 रुपए वाली जो कॉल है इसका टारगेट बनेगा ऊपर में 4.5-5 रुपए। बाय फेडरल बैंक 54 कॉल एट CMP 2.90 रुपए, स्टॉप लॉस 2.10 रुपए, टारगेट 4.5-5 रुपए ऊपर में देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको, आपके पास आ रहा हूँ सुमित जी वापस से फेडरल बैंक के लिए, 2 मिनट मुझे दीजिए, लेकिन तब तक एक बार बिगुल भसीन साहब के लिए, और भसीन साहब का करते हैं स्वागत। सर नमस्कार, बताएं सर एक बार अपडेट और साथ ही अब BTST कॉल्स के तौर पर। सर अपडेट तो यह है, आपको जो दिया था UPL देखिए आज कैसे भाग रहा है, 485 हो गया। आपको L&T फाइनेंस दिया था वो बहुत बढ़िया भाग गया है, ITC बहुत बढ़िया है, तो जो सुबह से कॉल्स हैं कल की थी वो बहुत तगड़ी चल रही हैं। अब आप कहें तो दो कॉल हैं, दोनों डिलीवरी वाली कॉल हैं सर ये। अरे क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं आप जी। काफी लोग हैं जो वो डिलीवरी के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कॉल्स मांगते हैं, बताएं सर क्या लेना है।
तो पहली बात, और से ये भी कह दूं सर, फेडरल बैंक में आपको कन्विक्शन कॉल दी थी, आज 54.5 का भाव हो गया, इन्हें मार्केट जो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो डिलीवरी कॉल दो है सर, एक है आज की डेट में अडानी पोर्ट 324.25 से 26 का भाव है, इसमें 319 या 18 का स्टॉप लॉस रखिए, 345 to 350। अडानी पोर्ट विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ क्रॉस बॉर्डर फ्रेट, और जो आप ट्रेड और सब कुछ देख रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ा गेनर अडानी पोर्ट होएगा, ऑन सर्विसेज ऑल्सो एंड ऑन फी बेस्ड एक्टिविटी। दूसरा भाव है सर, आज वीकनेस आई है पेज इंडस्ट्री, 19,000 का भाव है, 19,050, इसमें आप 2% का स्टॉप लॉस रखिए और 5% की तेजी, माने 21,000 रुपए का भाव मुझे दिखता है, 21,000 रुपए का ऑन पेज इंडस्ट्री। आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्राइस्ड एफएमसीजी स्टॉक विच यू हैव, और बिजनेस विल बी डू एक्सट्रीमली वेल एज रीओपनिंग ओपन। ओके, तो आप यहां पर खरीदारी करके चलें, क्योंकि बड़ी प्राइस के स्टॉक है, आप कैश में डिलीवरी लेकर रख सकते हैं और वहां पर चल सकते हैं। 11 तारीख को अदानी पोर्ट के रिजल्ट आने वाले हैं, तो 325-326 में आप करें अदानी पोर्ट में खरीदारी, 318 का लगाएं स्टॉप लॉस, 345-350 के टारगेट के लिए। पेज इंडस्ट्रीज में 19,000 के आसपास का खरीदारी करें, 1900 रुपये नीचे, 1% नीचे, यानी कि लगभग 17,000 का आप स्टॉप लॉस लगा लें। 21,000 और 21,500 के टारगेट के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी, ये राय है बसंत साहब की तरफ से, दोनों ही खरीदारी की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सोमवार को आपसे होगी फिर मुलाकात और तब आपसे हम करेंगे बातचीत इसके बारे में और आगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक स्टॉक आज एक्चुअली ऐसा हो गया कि मैं दो बार पीछे रह गया, एक बार नितिन जी को ऑप्शन की स्ट्रेटजी देनी थी और मुझे निफ्टी की देनी थी, मैं पीछे रह गया, और दूसरी बार मैं पीछे रह गया जब सुमित जी ने फेडरल बैंक के लिए बिगुल बजाया। तो मैं फेडरल बैंक में, मैं कहना चाहता हूँ फेडरल बैंक में मैं कल के 2000 देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब चूंकि सुमित जी दे चुके हैं तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दूं और फेडरल बैंक में ये बता दूं कि क्यों फेडरल बैंक में तेजी है। आपको याद होगा फेडरल बैंक 2 जून को बर्थडे के वक्त हमने, तब 42 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से भाव था, तब भी मैंने कहा था कि 50 से 55 रुपये के लिए आप इसको खरीदिए। इसकी फेयर वैल्यू है 70 रुपये के आसपास की, और जो एसएमई की रिस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट फेडरल बैंक को मिलेगा। लेकिन कल से आज में फेडरल बैंक में जो बदला है वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कल आरबीआई की पॉलिसी देखी, जो गोल्ड लोन देने वाली बैंक्स हैं उनके लिए एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशियो जो बढ़ाया है साउथ में फेडरल बैंक का, ये एक बड़ा काम काज है। और आज आप देखिए वैल्यूशन इतने सस्ते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसबी बैंक के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये मतलब बुक पे एक टाइम पे ट्रेड कर रहा है, सीएसबी बैंक 2 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूशन बहुत ही अच्छे हैं। सारी गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां 2-2 टाइम 3-3.5 टाइम अपने बुक पे ट्रेड करती है, तो अट्रैक्टिव वैल्यूशन पे, और फेडरल बैंक भी आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकता, तो ये लेवल्स पे भी फेडरल बैंक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक लगता है। मार्केट की रिस्क अपनी है ये, तो वो आप रखें, और या फिर जो अभी सुमित जी ने कहा है उसको आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोल्ड बिजनेस जो है वो फेडरल बैंक में बड़ा कमाल करेगा और आगे आते हुए ये आपके बड़ा काम आएगा, तो इस पर आप फोकस रखिएगा। एक बार फेडरल बैंक पर मैं राय लेना चाहता हूँ सुमित जी से ही वापस। सुमित जी, अगर किसी को फ्यूचर में खरीदना बेचना हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें। बिल्कुल खरीदें अनिल जी, और अभी आपने इतना सब स्टोरी बता दिया है तो ये स्टॉक रुकना नहीं चाहिए, नेक्स्ट वीक इस स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, 5 दिन के हाई टूट रहे हैं, बाय करना चाहिए फ्यूचर्स के अंदर अगर करना है तो। इसके अंदर 54 के आसपास जब हमने किया था, अभी वही चल रहा है, 30 पैसा ऊपर आ गया है, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 52.25 रुपए, 52.25 रुपए, और ऊपर में टारगेट 57 से 58 तक के जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए फेडरल बैंक के अंदर। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर राय। आइए पिक ऑफ द डे, और कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने पिक के साथ, कल की पिक आज ही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है आरबीएल बैंक में, ये स्टॉक टेक्निकली मंदी से तेजी की तरफ आ रहा है, क्लियर चार्ट पे रिवर्सल है, ओपन इंटरेस्ट में देखा जाए तो 52% के करीब का इजाफा है, टेक्निकली ब्रेकआउट पॉजिटिव क्रॉसओवर, तो आरबीएल बैंक को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल
अनिल जी देखिए, जून 2019 के बाद यानी कि पूरे एक साल के बाद आरबीएल बैंक निफ्टी को और पूरे निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहां चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। ऐसे संकेत चार्ट पर नजर आ रहे हैं कि किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट स्टॉक से रिलेटेड आना चाहिए, तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। आरबीएल बैंक खरीद करके जाना है, 185 रुपए का 185 का स्टॉप लॉस रख लें, पहला टारगेट 200 रुपए का, दूसरा टारगेट 210 रुपए का। 210 रुपए तक की तेजी स्टॉक में बनना संभव दिखाई दे रहा है, बाय करके चलें आरबीएल। ओके, आरबीएल बैंक पिक ऑफ द डे 210 तक की तेजी के लिए, लेकिन इसी के साथ साथ विश्वेश जी का विशेष भी तैयार है और उनका भी स्टॉक है सेम बिगुल। बताएं विश्वेश जी। आरकेवी प्रेजेंस आरबीएल बैंक, राकेश आरबीएल बैंक, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर प्लस विश्वेश प्रेजेंस आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में जो ब्रेकआउट हो रहा है सर, और जैसे राकेश जी ने डिस्क्राइब किया, बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न है, बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न के साथ वॉल्यूम और ओआई क्या है सर, 200 के कॉल में आज के दिन में 982,000 शेयर एड हुए हैं और फ्यूचर में ऑलमोस्ट जो 10% का वाई एड हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस स्टॉक इज हेडिंग फॉर हायर लेवल। 25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 200 के कॉल में, तो देखिए जिस स्पीड से ये जा रहा है और ऑलरेडी 10% के आसपास है, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, तो मेरी ओर से खरीदने की राय होगी आरबीएल बैंक। सिमिलर स्टॉप लॉस है 185 का और 200 रुपए का मेरा कंजर्वेटिव टारगेट है, लेकिन 7 वीक के साइड बाई साइड कंसोलिडेशन में इसने 170 के बेस को नहीं तोड़ा है, तो मुझे लगता है कि इन डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर 170 नहीं निकलता है, कुछ बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग या कुछ तरह का न्यूज आ जाएगा, स्टॉक्स को देख के इस तरह की चीजें लग रही है, तो आरबीएल बैंक फुल फोर्स खरीदने की राय। क्यूआईपी आने की तैयारी में है, ऐसा समझा जा रहा है कि एक बड़ा क्यूआईपी लॉन्च कर सकता है आरबीआई बैंक, की अभी खबरें कंफर्म नहीं है इसलिए हमने चलाई नहीं है, बोला नहीं, लेकिन ऐसी बाजार में बातें चल रही है कि क्यूआईपी आने की तैयारी में। क्यूआईपी आएगा तो फिर आपको पता ही है कि स्टॉक तो बढ़ना ही है, चलना ही है, तो ये खबर है बेसिकली आरबीआई बैंक के लिए, क्यूआईपी लॉन्च होने की तैयारी है। तो आजकल तो जिन जिन बैंक को पैसा मिल रहा है वो भाग ही रहे हैं, तो तेज दौड़ लगाई नहीं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ये आपके लिए सामने सामने साफ नजर आ रहा है। आइए एक अगला बिगुल है और वो है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी सर बताएं। वागले साहब एकदम काम के वक्त कहां डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लौट आओ वागले साहब, और जल्दी से आपकी कॉल का इंतजार है, जुड़ने की तैयारी है वागले साहब की, तब तक सेठी साहब की भी जुड़ने की तैयारी है, और सेठी साहब भी आपके सामने 2 मिनट में आपके सामने होंगे, तब तक एक बार जल्दी से मैं एक, अच्छा वागले साहब तैयार है, वागले साहब बताएं सर, आपका कनेक्शन थोड़ा सा मिस हो गया था। जी सर। अनिल जी मुझे BTST देना है ब्रिटानिया में, 3936 का करंट भाव है, मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 3936-3937 यहाँ पर ले ले, मुझे एक 30-40 रुपए की मूव दिखाई दे रही है, 3970 तक के टारगेट्स में की मैं बात करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस 3925 का होगा। 3925 का स्टॉप लॉस है आपका, ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय है, 3935 के आसपास लीजिए, और टारगेट एक बार वागले साहब टारगेट बताइए, टारगेट क्या है? 3970। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से ब्रिटानिया में। आइए सेठी साहब भी तैयार हैं और बिगुल, सेठी साहब के लिए वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक लेने का। स्वागत है सेठी साहब आपका, एक तो आपकी सुबह वाली पिक कमाल कर गई और वो टारगेट को हासिल किए पाप ऑटोमोटिव, नहीं, सॉरी हिंदी में नहीं बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे, PPAP ऑटोमोटिव, जो आपने दिया था 190 के टारगेट के लिए, और उसका हाई मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक देखा था 190 के आसपास उसको जाते हुए देखा था। जी हाँ, 192.90 रुपये सर, अभी भी 190। देखो ये मजे की बात है, मेरे को सेठी साहब की सबसे बढ़िया बात यही लगती है कि इनके टारगेट ऐसे नहीं, टच एंड गो, आराम से, जैसे वो आशु जी बोलते ना, आराम से खरीदो आराम से बेचो,
दो चार रुपए ऊपर नीचे में। आशीष जी सेठी साहब के भी ऐसे ही टारगेट होते हैं, उनका टारगेट 18% 20% ऊपर का है देखो, उसके बावजूद स्टॉक आराम से पूरे दिन भर सबको बेचने का मौका मिला, ऑल सेलर सेटिस्फाइड ऑल बायर सेटिस्फाइड। तो 190 रुपए के आसपास का टारगेट हासिल हुआ, पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करें, और कोई अपडेट देना चाहें सेठी साहब तो पहले वो दे दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपकी पिक की तरफ। बिल्कुल अनिल जी, आज सुबह जो मैंने पिक दिया था एक बहुत ही शानदार कंपनी थी और मेरे टारगेट थे, मैंने जब रिकमेंड करा था तो 177-178 के लेवल्स थे, 190 का मेरा टारगेट था और इसमें आज सर्किट लग गया 192 के लेवल्स का और अभी भी 190 का लेवल है। बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इस पर बुलिश हूँ, मुझे लगता है आने वाले 9-12 महीने में 250 के लेवल्स बिल्कुल आ सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, आपकी आवाज़ थोड़ी सी, मैं एक बार पहले ऑडियो आपका दुरुस्त करवाता हूँ सेठी साहब, उसके बाद वापस से आपसे पिक लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे ऑडियो कम आ रहा है तो एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इस बीच एक चीज़ और है, एक स्टॉक और है जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो है यस बैंक, आज फिर से 5% मजबूत है, 14.10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बंसल जी जरा यस बैंक के चार्ट पर राय दीजिए। देखिए अनिल जी, आपने तो एकदम बॉटम पे रिकमेंड किया था स्टॉक को, आईपीओ में लगाने की राय दी थी और टेक्निकली अनिल जी अभी भी जहां पे जिस सपोर्ट्स की बात करी थी वो टूटे नहीं है और स्टॉक का जो जिस तरीके से रुझान है अनिल जी, मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, थोड़ी सी अनिल जी बोल रहा हूँ लेकिन लेवल परसेंटेज टर्म में बहुत ज्यादा आता है। जो टेक्निकल टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है 16.72 रुपये का, 16.72 रुपये का टारगेट निकल कर आ रहा है। और आपको याद होगा जब से येस बैंक की एफपीओ की खबर आई है 12 और 13 रुपये के बैंड में, अनिल जी ने आपको लगातार कहा है कि इस पर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस हफ्ते की शुरुआत में भी जब एफपीओ प्राइस के नीचे गया था तो अनिल जी ने कहा था कि घबराइए मत, आपको अच्छे गेंस मिलेंगे और अगर आपने स्टॉक को होल्ड करा है उस लेवल से तो ऑलरेडी आप 15-17% की गेन देख चुके हैं। एक बार देख लेते हैं आपको येस बैंक पर क्या सलाह दी गई है। जिनके पास यस बैंक के शेयर है उन्हें तो 25 रुपये में बेचकर ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी यस बैंक में पैसा डाल सकते हैं। देखिए यस बैंक के लिए सबसे बुरा जो समय था वो निकल चुका, मैनेजमेंट चेंज हो चुका, गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, अब 12 रुपये में आपके लिए एफपीओ आया है। ये स्टॉक अगर आपको साल का 20-25% कंपाउंडेड रिटर्न से संतोष है तो 12 रुपये में ये शेयर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप लेकर छोड़ दीजिए। 12 रुपये में आपके लिए येस बैंक में खोने को कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं, जो हल्की सी भी रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, उन्हें होल्ड करके रख लेना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि 12 रुपये में कोई एक ये बुरा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल भी नहीं। कि हमने येस बैंक के एफपीओ में पैसा लगाने की राय दी थी, जो येस बैंक को होल्ड करके रखेगा उसको बैंक निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले में बेहतर रिटर्न मिलेंगे और 12 रुपये पे मैं अकेला हूँ जो येस बैंक पर बुलिश हूँ और कोई भी नहीं है, जो कुछ होना है यहाँ से बेहतर ही होना है। तो आपके लिए येस बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो मजबूती के साथ आ जाता दिख रहा है। 14 रुपये के पार निकलता हुआ येस बैंक, 5% की बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है येस बैंक में। बिल्कुल, तो अनिल जी सुपर हिट कॉल रही येस बैंक पर, 17% गेन्स तो ऑलरेडी इस हफ्ते स्टॉक दिखा चुका है। बंसल जी जिन्होंने सबसे पहले कहा था जब गिरावट के समय कि अब 12 पर जाएगा, अब कह रहे हैं कि 16 तो आना ही चाहिए। पर सर अभी भी लोग घबराते हैं, थोड़े सवाल पूछते रहते हैं, एक बार फिर से उन्हें क्या एडवाइस देंगे अगर 14 के लेवल्स पर है, 12-14 की उनकी तेजी हो गई, रखना चाहिए? ये पता ऐसा ना, प्रॉब्लम ये है ना, जब 1400 था और जब 400 था तब तो कोई घबराया नहीं, तब तो डर लगता नहीं था, अब 14 में डर लगता है, 12 में डर लगता है, तो उसका तो क्या इलाज है। तो आप एक चीज़ समझिए ना, 12 रुपये में क्या हुआ है येस बैंक में वो तो देखिए, नो ब्रेनर है भाई। बैंक का मैनेजमेंट पूरा चेंज हो गया, बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, सारे बड़े बड़े बैंक आकर 10 रुपये में इसको लेकर गए, उसके बाद 15,000 करोड़ का QIP और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर और आ गया, पूरी मैनेजमेंट एकदम अलग है अब नया प्रशांत कुमार साहब के नेतृत्व में। और अच्छा,
खाली यस बैंक के अगर आप बैंक के नाम के ब्रांड के भी वैल्यू निकालें तो अच्छी खासी वैल्यू होती है। और अब फोकस पूरा बदल रहा है, तो जो कुछ खराब होना था यस बैंक के लिए वो हो चुका, अब यहाँ से खराब नहीं, यहाँ से जो होना है अच्छा ही होगा बैंक के लिए, और उस लिहाज से 12 रुपये में किसी लिहाज से बुरा नहीं। और यही सोच समझ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में पैसा लगाने की राय दी। अब क्या होता है इसमें, वो आशू जी कहते हैं ना वैसा किक नहीं मिलती लोगों को, 12 का 14 हो गया तो लोगों को लगता है 2 ही रुपये बढ़े, ये नहीं देखेंगे कि 12 का 14 होना मतलब 15-20% बढ़ गया, 15 दिन में 15% रिटर्न शांति से, जहाँ नीचे की रिस्क नहीं के बराबर हो। अब स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न जहाँ रिस्क नहीं के बराबर हो कहाँ मिलते हैं भाई अब। और अच्छा सबसे बड़ी बात, 12 रुपये में सबको लेने का मौका मिला। अच्छा 12 रुपये में जिन्होंने खरीदा उनके ब्रोकरेज भी नहीं लगी, STT भी नहीं लगी, सीधा आपको FPO से लेना था, कुछ नहीं करना था। अब इससे ज़्यादा और आप क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से मैं फिर कहूँगा ये वो वैसा स्टॉक नहीं, फैंसी नहीं, जो आपको खरीद के मज़ा नहीं आएगा लेकिन पैसे बनेंगे। जिनको साल के 20-25% रिटर्न, सालाना रिटर्न से संतोष है वो लेके बैठ जाएं शांति से। 12 का कब 25 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, डबल हो गया और आप देखते रह जाएंगे। अब वो 3 महीने में होता है, 6 महीने में, 12 महीने में होता है वो मुझे नहीं पता। 12 का कब 15 हो जाएगा आपके 25% रिटर्न, अगर 2 महीने में बन गए तो, 1 महीने में बन गए तो 25% रिटर्न कम होते हैं, अगर 12 का 18 हो गया तो आपके 50% रिटर्न बन जाते हैं। तो आप परसेंटेज में देखो रिटर्न कितने बन रहे हैं वो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। एनीवे आइए, सेठी साहब जुड़ चुके हैं, सेठी साहब से कनेक्शन का इश्यू है तो हम क्या कर रहे हैं उनको फोन पे ही ले लेते हैं। तो सेठी साहब से करते हैं बात, आइए बिगुल सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब आपका, बताइए सर क्या है आपकी आज की पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, वापस एक कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक आज एक बहुत तेजी में है और अभी थोड़ी देर में भी बहुत बढ़ गया है। स्टॉक का प्राइस है अराउंड 69 रुपीज का, कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये शुगर, पावर, डिस्टिलरी, वाटर ट्रीटमेंट और डिफेंस के कारोबार में भी है। ये पंप्स और टर्बाइन्स बनाती है जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्टल गार्ड को सप्लाई करती है। वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है, 5 के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड करता है। और सबसे अच्छी बात है कि मंडे को इसकी बोर्ड मीटिंग है बाईबैक का अनाउंसमेंट करने के लिए। मुझे लगता है जिस तरह के वैल्यूएशन है बाईबैक का जो प्राइस है काफी अच्छे प्रीमियम पे आना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से। और एक बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, प्रॉफिट्स में बहुत अच्छी दर से प्रॉफिट्स ने ग्रो किया है, रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही शानदार है, डेट भी कंपनी लगातार अपना कम कर रही है, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी अराउंड 68% और DIIs और FIIs मिलकर अराउंड 12% इसमें होल्ड करते हैं। और आज से स्टॉक 5% से बढ़ के 20% वाली सर्किट लिमिट पे सेबी ने इसको अलाउ किया है। मुझे लगता है मंडे को इस स्टॉक में हम 75 से 80 रुपए तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके 75-80 तक के लेवल्स के लिए सोमवार को करें, सोमवार तक के लिए करें खरीदारी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये है बेहतरीन और मजबूत स्टॉक और लगभग 20% के सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक है। सेठी साहब एक ही स्टॉक है या एक से ज्यादा? आज फ्राइडे है तो क्या? बिल्कुल फ्राइडे भी है और आपने कल रिमाइंड किया तो मुझे लगा एक और स्टॉक देना चाहिए। ये F&O स्पेस से एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, स्टॉक का नाम है HDFC। आपको मालूम होगा कि इसने अभी हाल ही में अपना QIP कंप्लीट किया है जिसके लिए सोमवार को बोर्ड बैठक है कंपनी की, जहां पे एक तो प्राइसिंग तय होनी है और उस दिन डिटेल्स भी आ जाएंगे कि किन्होंने इस जो QIP है उसमें पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत ही बुलिश हूं कि इसका जो प्राइसिंग है वो भी अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छी डिमांड इस QIP को मिली है। मुझे लगता है जो 1785 के लेवल पे स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड हो रहा है बिल्कुल लेके जाना चाहिए। मेरा इसमें मंडे के लिए 1830 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस डालना 1770 का। ओके 1830 का टारगेट है और 1770 का स्टॉप लॉस है, ये है सेठी साहब की दूसरी। अच्छा त्रिवेणी के लिए कोई स्टॉप लॉस है या त्रिवेणी के लिए कैश का स्टॉक है तो वहां स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है? नहीं स्टॉप लॉस मुझे लगता है अराउंड 65 के करीब का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ठीक रहेगा, 65 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके तो चलिए ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई साफ तौर पर HDFC लिमिटेड पर। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब दो बेहतरीन पिक के लिए। शुक्रिया तो क्या आ रहे हैं, आप तो वापस से थोड़ा कनेक्शन मजबूत करके जुड़ जाइए, आपको तो मस्ती की पाठशाला में रहना ही, तो बाकी बचे हुए समय में भी आपसे राय लेनी, मुझे कनेक्शन चुस्त दुरुस्त कर दिया जाए सेठी साहब का। आइए तब तक विश्वेश जी और आशु जी दोनों तैयार है, पहले विश्वेश जी के लिए एक जल्दी से बिगुल उनकी एक पिक और फिर चलेंगे आशु जी के पास। जी विश्वेश जी बताइए। देखिए मेरी ओर से जो ट्रेड है
जी अनिल जी, मेरी ओर से जो ट्रेड है वो है बैंक ऑफ बड़ौड़ा पे। मैंने लास्ट सीरीज में बैंक ऑफ बड़ौड़ा दिया था और मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर जाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हो गया था और वो मूव नहीं आया जो एक्सपेक्टेड था। बैंक ऑफ बड़ौड़ा मार्च के लो से 55 रुपीज तक गया था, दैट वॉज ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज मूव, परसेंटेज मूव। उसके बाद जो ये रिट्रेसमेंट हुआ है, ये रिट्रेसमेंट इतना ब्यूटिफुल हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 48 रुपीज के आसपास चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौड़ा। बैंक ऑफ बड़ौड़ा यहाँ से 55 रुपए तक भी जा सकता है, तो करना ये होगा बैंक ऑफ बड़ौड़ा में, या तो आप फ्यूचर ले लीजिए और आप 46 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, या आप 48-50 के आसपास चल रहा है, या फ्यूचर खरीद लीजिए और उसके सामने एट द मनी पुट 48 रुपीस का 2.5 रुपीस चल रहा है, 2 रुपीस 40 पैसा, फ्यूचर ले लीजिए और पुट ले लीजिए और छोड़ दीजिए इस ट्रेड को। क्योंकि जिस हिसाब से SBI और बैंक ऑफ बड़ौड़ा दोनों में गिरने के बाद राइट शोल्डर बन रहा है, मुझे लग रहा है लार्ज हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है और PSU बैंक्स में इस तरह की फॉर्मेशन इज द सम सॉर्ट ऑफ अ प्रीकर्सर ऑफ अ सम लार्जर मूव। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौड़ा को 55 के टारगेट के लिए बाय देना चाहता हूं। जिसको फ्यूचर लेना है उनका स्टॉप लॉस रहेगा 46, या जिनको स्ट्रेटजी करनी है बाय फ्यूचर प्लस बाय पुट, आपका हेज ट्रेड हो जाएगा, मैक्सिमम रिस्क इज 2.5 रुपीस, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत हो तो विश्वेश जी बता दो, चाहिए सर आपका सपोर्ट तो ऐसा होता है ना कि मतलब एग्जाम से पहले पापा बोल देना बेस्ट ऑफ लक ऐसा वाला है। अरे वाह क्या बात है। अच्छा और रिजल्ट बराबर नहीं आया तो पता है ना पापा क्या करते हैं, फिर वो भी आपको मालूम होगा। तो रिजल्ट एकदम परफेक्ट आना चाहिए बेस्ट ऑफ लक के साथ साथ। एनीवे लेकिन चलिए बैंक ऑफ बड़ौड़ा 10 तारीख को आएंगे रिजल्ट, और आपने रिजल्ट के बाद देखा है SBI किस तरह से जबरदस्त मजबूत हुआ है, कमोवेश वैसी चीज आपको बैंक ऑफ बड़ौड़ा में दिखेगी। तो आप जो पुट खरीदने की राय दे रहे हैं वैसे सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी। आपका 46 रुपये का स्टॉप लॉस है वो भी आप सोमवार को ऊपर कर लीजिए, सोमवार को ही इसके रिजल्ट है 10 तारीख को, निश्चिंत होकर लीजिएगा और पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं, मार्केट के रिस्क अपनी जगह लेकिन रिजल्ट बढ़िया रहने चाहिए, ये आपके लिए साफ तौर पर। तो बैंक ऑफ बड़ौड़ा जो कह रहे हैं इस वक्त विश्वेश जी खरीदने की राय वो एकदम परफेक्ट, और आज ये तीसरा मौका हुआ है। जब देखिए मैं पहले निफ्टी का सोच रहा था तो नितिन जी को मैंने प्रेफरेंस दी, मैंने कहा चलिए पहले गेस्ट हैं एक्सपर्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस मिल लीजिए, नितिन जी ने राय दी। उसके बाद मैं फेडरल बैंक सोच रहा था तो फेडरल बैंक देखिए हमारे सुमित जी ने दिया और फेडरल बैंक 55 रुपये हो भी गया, 55 रुपये 15 पैसे का हाई भी बना के आया। तीसरा बैंक ऑफ बड़ौड़ा मैं सोच रहा था रिजल्ट के लिहाज से कंसिडर करूँ, लेकिन वो तब तक लेवल्स निकालने का टाइम नहीं मिलता, और तब तक आप देखिए विश्वेश जी का आनी चाहिए कॉल्स, कैसे भी आए किधर से भी आए। लेकिन इस बीच एक चीज़ देखिए, जो स्टॉक अभी अभी डिस्कस हुआ वो लगा चुका है सर्किट त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जो आपको दिया था सेठी साहब ने 20% के सर्किट के आसपास। आइए जल्दी से जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन ले लेते हैं, जय है हमारे साथ, जय बिगुल आपके लिए कैश का ऑप्शन। बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी दो स्टॉक ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूं मैं, और इंडेक्स में तो है ही रेकमेंडेशन, वो मैं उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले दो स्टॉक ऑप्शन रेकमेंड करता हूं। तो पहला जो स्टॉक ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूं आज वो है NMDC के ऊपर। NMDC का 92.5 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना चाहिए, जो आपको एक रेंज में मिलेगा 325 से लेके 340 के बीच में, 3.25 से लेके 3.4 के रेंज में NMDC का 92.5 का आपको कॉल ऑप्शन मिलेगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2.30 रुपये का टारगेट रहेगा पहला वाला 4.70 रुपये, एंड दूसरा वाला टारगेट रहेगा 5.60 रुपये का। अनिल जी NMDC चूज करने का कारण ये है कि ये स्टॉक ने क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ है। मेटल इंडेक्स यहाँ पे लगातार हमें तेजी देखने मिल रही है, और अगर आप देखेंगे सारे स्टॉक्स जो आज हिंदुस्तान जिंक काफी अच्छा कर रहा है, टाटा स्टील तो अच्छा कर ही रहा है, सभी लोगों ने इनफैक्ट टाटा स्टील पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। सो मैं कहूंगा मेटल इंडेक्स कहीं ना कहीं हिंडाल्को JSW स्टील सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और NMDC का कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है, अब अच्छा मूव दिखा सकता है आने वाले सप्ताह में। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका 92.5 का कॉल ऑप्शन खरीद के चले 3.25-3.40 के रेंज में, 2.30 रुपये स्टॉप लॉस, 4.70-5.60 ये टारगेट्स रहेंगे, ये पहला रिकमेंडेशन है। ओके तो ये है आपके लिए NMDC पहला, इसका मतलब दूसरा भी है, जय बताइए दूसरा वाला भी फिर।
अनिल जी दूसरा जो मेरा रिकमेंडेशन है वो बीपीसीएल के ऊपर है। अब यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, बीपीसीएल का पहले तो मैं लेवल्स बता देता हूँ अनिल जी, 430 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है जो अभी करीब 16 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसके पहले जो टारगेट्स बनेंगे वो है 21.80, दूसरा टारगेट बन रहा है 24.90, 21.80 और 24.90, ये दो टारगेट के लिए बीपीसीएल का 430 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 16 रुपए पे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 10.85 रुपए का। अब ये खरीदने की सलाह अनिल जी इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया अपने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट इसका 200 डेमा और 250 डेमा एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रहा है और मैं कहूंगा कि वहीं पे हमें गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है, 5-wave declining structure देखने मिला है। ये स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अवर्ली चार्ट्स पे बनी हुई है बहुत ही बढ़िया सी, और मैं कहूंगा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ मोमेंटम में भी बाय क्रॉसओवर देखने मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीसीएल में कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बाउंस बैक 435 से लेकर 440 का देखने मिलेगा, इसलिए 430 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए दो ऑप्शन खरीदने की राय। जय की तरफ से एनएमडीसी का ऑप्शन खरीदिए आप 92.50 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, 3.25-3.40 में 2.25 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 4.70-5.60 रुपए का। बीपीसीएल खरीदिए आप 420 का स्टॉप लॉस 16 रुपए में, 420 का कॉल ऑप्शन 16 रुपए में, 10.85 का स्टॉप लॉस है, 21.80 और 24.90 के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। आपके बीपीसीएल में देखिए सबकी खरीदारी आती हुई दिख रही है, और आशीष सर आप कुछ कहना भी चाहते थे, मैं आपके पास आ नहीं पाया बैक टू बैक कॉल से, बताएं सर। अनिल जी मैं यही बोल रहा था, जैसे बीपीसीएल अभी आपने जो सिटी साहब का एग्जांपल दिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। अनिल जी मेरा मानना ये है कि आपकी कॉल सही जाती है जो आप कहते हो ना किक नहीं मिलती है। अनिल जी किक तो जितनी मिलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब रिवर्स जाके जो किक पड़ती है ना उससे बहुत डर लगता है। इसलिए अनिल जी मुझे मेरा मानना ये होता है कि जब मैं रिप्लेस करता हूँ, अभी भी जैसे बीपीसीएल अनिल जी 17-18 पे मैंने बोला, आपने बोला तसल्ली से, आधे घंटे बाद वो 422 पे है और शायद कल सुबह वो 427 पे होगा। तो ऐसे अनिल जी तसल्ली से बढ़ता रहे, हमें वो खुशी मिलती है, हमें भाग के ना कुछ देना है ना कुछ बेचना है, किक मिलनी कम चाहिए लेकिन किक पड़नी नहीं चाहिए। और अनिल जी एक और चीज़ मुझे आपसे कहनी है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मेरी एब्सेंस में आपने डिस्कस कर लिया, तो मुझे कहना है अनिल जी वो कॉपी पे, तो मेरे को अनिल जी सिर्फ कहना है कि आई थिंक जो शाहरुख का एक वर्ल्ड फेमस स्टाइल है अनिल जी, ये वाला वर्ल्ड फेमस है ये वाला अनिल जी, उसको सारे लड़के कॉपी करते हैं लड़कियों के लिए, सारा देश सारी दुनिया कॉपी करती है, बट अनिल जी वो स्टाइल तो ओरिजिनल शाहरुख का ही है ना। तो अनिल जी जो क्रिएटिविटी अपने पास है जो हमने की है उसको दुनिया कॉपी करती रहे अनिल जी, वो बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इससे अनिल जी मार्केट एक्सपैंड होती है, शाहरुख और फेमस होता है उसका जो स्टाइल कॉपी करते हैं, तो अनिल जी बहुत बढ़िया बात है ये तो। एब्सोल्युटली बिल्कुल, और ये गोल्डन वर्ड्स हैं आपके जो ध्यान में, अभी अभी मैं कुछ सोच भी रहा था, विश्वेश जी ने किसी चीज़ की बात की थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिविटी न सिर्फ है ना हमारी टीम तक सीमित है, इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स भी अब क्रिएटिव हो गए, वो भी नाम रखने में, स्टॉक्स बोलने में, हर तरह से, ये मतलब ये अच्छी चीज़ है कि कोई अच्छी चीज़ एक दूसरे से आप सीखें, ये बढ़िया चीज़ है, नहीं तो क्या होता है जनरली दोस्तों में जो आते बुरी वाली है ना वो जल्दी से फैल जाती है, अच्छी वाले में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हमारा पैनल ऐसा है जहाँ पर अच्छी चीज़ें भी एक साथ जल्दी जल्दी आपके लिए फैलती हुई दिख रही है। 3:20 हो चुके हैं दीप, अब आपके लिए वक्त है स्ट्रेटेजी का। बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल बजाते हैं, जान लेते हैं कि क्लोजिंग से पहले स्ट्रेटेजी क्या है। अनिल जी ग्लोबल क्यूज में कोई बदलाव नहीं है, एकदम वैसा ही है डाउ फ्यूचर्स, जब लास्ट टाइम हमने चेक किया था 150 पॉइंट नीचे, 0.5% की गिरावट है इस समय डाउ और नैसडैक फ्यूचर्स में। यूरोप के बाजार भी लगभग 0.5% ही नीचे हैं, पर उससे ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, तो सुस्त ग्लोबल क्यूज है अनिल जी, पर ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है उन लेवल से। बताइए सॉन्ग ऊपर है निफ्टी पर सपाट है, निफ्टी पर सपाट है, सॉन्ग ऊपर है बैंक निफ्टी पर, क्या करना चाहिए सर? देखिए दीप सिंपल चीज है, देखिए वैसे तो हमारी जो क्लोजिंग हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है, 11200 के ऊपर निफ्टी बंद होगा और आज फिर 21650 के अच्छे खासे 101 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन रिस्क है कि चूंकि अगर देखिए 51 पॉइंट अमेरिका ऊपर नीचे होता तब तो क्या है कि डर कम लगता है, लेकिन 150 पॉइंट नीचे हो 125 पॉइंट, हालांकि थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है लेकिन वो रिस्क तो हमेशा रहती है, और स्पेशली जब 5 दिनों से अमेरिकी बाजार चढ़ रहे हो तो हल्की सी रिस्क रहती है। तो दो चीज़ें कर सकते हैं, जिनको कम रिस्क रखनी है वो आज प्रॉफिट बुक कर ले, सोमवार को फिर से आप तेजी की पोजीशन बना लीजिएगा अगर नीचे गैप से मिलता है, जैसा आज एक मौका मिला ले लिया, नहीं तो फिर आप एक काम करिए हेज करके चल लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। क्या करना है, 11200 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, और जिनको कम रिस्क रखनी हो 11300 का एक बेच दें,
तो आपके लिए प्रीमियम कम हो जाएगी, या फिर दूसरा तरीका यह कि 11,400 का एक बेच दे थोड़ा सा ऊपर का। बट मैं ये कहूँगा अगर आपको हेज करके चलना ही है तो प्रीमियम की वैल्यू दो दिनों की घटेगी, तो 11,200 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 11,300 का बेच दीजिए, आज ही मुनाफा आ रहा है। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत दिख रहा है क्लोजिंग के लिहाज से, 21,750 पर बंद हो रहा है, 21,800 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए आप, 22,000 बहुत कम रिस्क रखनी है तो 22,000 का कॉल ऑप्शन बेचिए, नहीं तो 22,200 का कॉल ऑप्शन आप बेचकर जा सकते हैं, वो एक काम कर सकते हैं। तो जिनको रिस्क कम रखनी है ओवरनाइट और दो दिनों के, और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि 5 दिनों से डाउ बढ़ रहा है और उसके बाद 8 डाउ फ्यूचर नीचे, तो हो सकता है अमेरिका में एक कमज़ोर सेशन रहे। अमेरिका का सेशन और हमारा सेशन आज बिल्कुल अलग दिख रहा है, हमें अमेरिका की कमजोरी से कहीं कोई फर्क पड़ता हुआ दिख नहीं रहा, दिन के हाई पॉइंट के आसपास हम बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मार्केट तो मजबूत है और कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए आप अगर अपनी तेजी की पोजीशन को इंटैक्ट रख के कैरी करना चाहते हैं तो आप हेजिंग के साथ करें, सीधे सीधे फ्यूचर्स ना रखें, क्योंकि अगर समझिए 30-40 पॉइंट निफ्टी नीचे खुल गया या बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट नीचे खुल गया तो आप घबरा जाएंगे, क्योंकि वापस 21,500-21,550 लेने की बहुत बढ़िया जगह है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप हेज करके चलें, ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन पोजीशन बनाए रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है खास। बिल्कुल पोजीशन बना के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका के नए स्टिमुलस प्लान पर चर्चा है और आज उसकी एक सॉफ्ट डेडलाइन है, डिसाइड किया था लॉ मेकर्स ने कि आज उसको फाइनलाइज कर देंगे, तो उसकी वजह से थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है क्योंकि अभी तक वो फाइनल पैकेज तैयार नहीं किया गया है और आज उसकी एक तरह से डेडलाइन है, तो नज़र रखते हैं क्या वहाँ से एक्शन निकल कर आता है। बट यूएस का एक्शन आज के मार्केट्स में काफ़ी भरपूर रहने वाला है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, भरसीन साहब ने कहा है खरीद कर जाइए, AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है मंडे को। भारतीय एयरटेल भी अब खरीदारी दिखा रहा है और भारतीय इंफ्राटेल में भी एक्शन आ रहा है, तो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम स्पेस और टेलीकॉम से जुड़े जो बैंक्स जहाँ पर रिएक्शन आपको देखना पड़ता है, स्पेशली IDFC फर्स्ट बैंक, वहाँ पर अब आप एक्शन फिर से बनते हुए देख रहे हैं मंडे की सुनवाई से पहले। इसके अलावा काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने भरपूर आज एक्शन देखा है, एक बार जल्दी से उनकी लिस्ट ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि अब पोजीशन कैरी करनी चाहिए या फिर अब क्लोज कर देनी चाहिए। SRF बंसल जी, आज सुबह चार्ट कॉर्नर की कॉल थी, इस पर अच्छी तेज़ी आई है, कैरी फॉरवर्ड करें या फिर मुनाफा बुक कर लें? ये दीपांशु चार्ट पे तो ब्रेकआउट हुआ है और रैली एक्सटेंड होगी, बट क्या होता है कि छोटे टारगेट्स के लिए दिया जाता है, तो जो जिन्होंने इंट्राडे के लिए लिया है उनको मुनाफा बांध लेना चाहिए SRF के अंदर। बिल्कुल, और पहला टारगेट वहां पर हिट भी हो गया था, तो अगर आप चाहें तो मुनाफा बांध सकते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए इस स्टॉक पर। शानदार मूव जरूर यहाँ पर आती हुई दिखी है। सुमित जी, एक्साइड पर आज सुबह हमने एक्शन देखा और इसकी चर्चा भी हो रही थी, जिन्होंने अगर कोई कॉल लिया हो एक्साइड का, आप चार्टिकली कोई सलाह दे सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, मुनाफा बुक करना चाहिए, अगले लेवल्स क्या हैं यहाँ पर? दीपांशु, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें, ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और दो दिनों से स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है, 162-165 ये इमीडिएट लेवल से स्टॉक के, जैसे इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा तो स्टॉक के अंदर एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, तो जिन्होंने भी पोजीशंस लिया है पोजीशंस को कैरी करें, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, ऊपर में 162-165 इमीडिएट टारगेट है और वो लेवल से एक बार निकलेंगे तो उसके बाद एक अच्छा अपसाइड मूव एक्साइड में और देखने को मिलेगा। अच्छा दीपांशु, हिंदुस्तान जिंक और एक बार नजर में ले लो, इस पूरे हफ्ते हमने हिंदुस्तान जिंक की बात की है और आज स्टॉक वापस से 8-9% ऊपर है, तो इसमें सारे टारगेट्स वन वे अचीव हो रहे हैं और अभी भी यहां से लगता है और ऊपर जा सकता है। ओके, नज़र रखते हैं जहाँ तक हिंदुस्तान जिंक का सवाल है। सुमित जी ने हाई कन्विक्शन पर इस पूरे हफ्ते उस स्टॉक पर कॉल दिया था और वहाँ पे आपने बढ़िया तेज़ी आती हुई देखी है। इसके अलावा भी आप देखें तो कई और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। डेल्टा कॉप में अच्छा मूव आया है, साथ ही पिडलाइट, यहाँ पर सिमी जी ने कन्विक्शन कॉल दिया था, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आपने आती हुई देखी है और सारे के सारे पेंट स्टॉक्स आज चैनल पर डिस्कस हुए हैं और सभी स्टॉक्स में आपको तेज़ी दिखी है, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स और साथ ही कंजा नेरलॉक, इन सभी स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन रहा है। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि फिर आज का एक्शन और इस हफ्ते का एक्शन कैसा रहा है। बाजार की शानदार तेजी रही और 11,200 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए हम तैयार होते हुए दिख रहे हैं। इस समय नजर रखिए, एशियन पेंट स्टॉक गेनर है निफ्टी का 4.5% की तेजी के साथ, बजाज फाइनेंस में बढ़िया उछाल आया है 3500 से जस्ट नीचे, UPL सिडानी साहब की सुबह की कॉल थी, वहां पर आपने अच्छा एक्शन देखा है, साथ ही इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया डिविडेंड को लेकर 17 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है और शायद कुछ और
एक्शन भी वहाँ पर हो सकता है। ब्रिटानिया, बॉम्बे, बर्मा दोनों में तेजी रही है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, गेल, जी एंटरटेनमेंट, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स अपने नतीजों से पहले अगले हफ्ते आएंगे नतीजे, कोल इंडिया, श्री सीमेंट और टाटा स्टील, यहाँ पर भी एक्शन अच्छा बनते हुए दिखाई। दूसरी तरफ मुनाफा वसूली हुई है आईटी स्टॉक्स में, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, विप्रो, यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली रही है और टाइटन, यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट आई है। एमएनएम नतीजों के बाद हल्की सी गिरावट यहाँ पर भी आई है, 1.5% नीचे रहा है स्टॉक। फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी भरपूर एक्शन रहा है। आरबीएल बैंक 10% का अपर सर्किट लगा था टुवर्ड्स क्लोजिंग। टाटा कंज्यूमर शानदार तेजी रही है इस पूरे हफ्ते। अपोलो टायर्स, वागले साहब की पिक, यहाँ पर शानदार तेजी रही है। एसआरएफ, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, विश्वेश जी ने इसके बारे में बात करी थी। बॉश, बैंक ऑफ बड़ौदा, मन्नापुरम, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आई है। फेडरल बैंक, अनिल जी इसके बारे में अभी बात कर रहे थे, 55 रुपये पर क्लोजिंग दे रहा है ये। अदानी एंटरप्राइजेस, एमएनएम फाइनेंस, एक्विटास, उज्जीवन, टॉरेंट पावर नतीजों के बाद यहाँ पर भी तेजी रही, हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आपने आते हुए देखी है। और फाइनली अगर आप देखें रिजल्ट्स के बाद लूपिन, यहाँ पर गिरावट हुई है। अनिल जी ने आज सुबह रिजल्ट्स पर बिकवाली की राय दी थी, 3 टारगेट्स दिए थे जिसमें से पहले 2 टारगेट्स हिट भी हो गए हैं और दूसरे टारगेट के करीब ही स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है इस समय। बायोकॉन, यहाँ पर भी गिरावट रही, साथ ही ग्लेनमार्क, यहाँ पर थोड़ी कमजोरी थी। एनआईटी टेक या कोफोज लिमिटेड, यहाँ पर आपने गिरावट आती हुई देखी है इस हफ्ते की शानदार तेजी के बाद। एचपीसीएल में गिरावट थी पर बीपीसीएल पॉजिटिव रहा। पीएफसी, अंबुजा सीमेंट, सन फार्मा, कंटेनर कॉरपोरेशन नतीजों के बाद, महानगर बगैस और नतीजों से पहले आरईसी और साथ ही जुबलेंट फूड हल्की सी कमजोरी के साथ बंद हो रहे। तो अनिल जी शानदार एक्शन रहा है इस हफ्ते, 11,200 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है सर और 21,750 के ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी बैंक की भी होती हुई दिख रही है सर। ये तो दीप है ना, थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स है ना 135-140 पॉइंट नीचे, इसलिए थोड़ा सा मतलब सावधानी रखनी जरूरी, नहीं तो इस क्लोजिंग पर तो है ना वो ट्रक भर भर के अग्रवाल मूवर्स और पैकर्स में भर भर के ऐसा ले जाने जैसा क्लोजिंग है। इससे बढ़िया क्लोजिंग आपको वीकली क्या मिलेगी, वो भी इस तरह के वोलेटाइल वीक के बाद। अगर आप सी जनरली है ना क्या होता है, जब आपका मार्केट एकदम स्मूथ है और आप हर रोज थोड़ा 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 बढ़ते जाएँ और अच्छी क्लोजिंग दें, तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा एकदम स्मूथ है। जिस हफ्ते में आपको सबसे ज़्यादा डर लगे, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 3-4 हफ्तों में मेरे ख्याल से यही हफ्ता ऐसा था जब ट्रेडर सबसे ज़्यादा डरे होंगे कि भाई जिस तरह की सोमवार को वोलेटिलिटी हुई, मंगलवार को हुई, बुधवार को इंट्राडे हुई, इवन गुरुवार को तो चलो मान लिया कि एक्सपायरी भी पॉलिसी भी तो होनी थी, लेकिन ये जो 3 दिनों की शुरुआती वोलेटिलिटी के बावजूद अगर हफ्ते के हाई पॉइंट के आसपास जाकर आप क्लोज हो रहे हो निफ्टी पर, तो इससे बढ़िया चीज़ है नहीं। ये ताकत दिखाता है। 150 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर नीचे नहीं होता तो वो मतलब वही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डाउ फ्यूचर अगर सही बंद होते ना, सही रहते ना, तो ये ट्रक भर के ले जाने वाला था। अब देखते हैं अगर सोमवार को अमेरिका का कैसे क्या आज हाल होता है, क्या कुछ होता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन चलिए, तो ये सब आज के फिर भी हफ्ते के आखिरी दिन बढ़िया एक्शन रहा। बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद हुआ, निफ्टी 11,200 के ऊपर बंद हुआ है। प्रोविजनल क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग भी लगभग यहीं पर आएगी, चिंता न करें, बढ़िया क्लोजिंग मिलेगी। और चिंता अगर आपको किसी बात की थोड़ी बहुत है भी, तो फिर आधा घंटे तो निश्चिंत हो जाइए, और हो सकता है ये आधा घंटे आपको एक ऐसा डोज मिले जो आपको सोमवार सुबह 9:15 बजे तक तो एकदम निश्चिंत कर ले, चाहे एसजेक्स का कुछ भी हो, चाहे डाओ का कुछ भी हो, और उसी के लिए वो डोज आपको मिलने वाला है एक छोटे से ब्रेक के बाद मस्ती की पाठशाला में। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता दूं आज शाम की प्लानिंग क्या है। आज शाम को आपके लिए शो है 6 बजे वाला, कोरोना पर ही है। लगता है कोरोना में जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ मरीजों के, उसको देखते हुए बड़ी दिक्कत की बात है। 20 लाख से ज़्यादा आंकड़े हो चुके हैं, 10 से 20 लाख पहुँचने में हमने सिर्फ 21 दिन लगाए, स्पीड बहुत ज़्यादा है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके भी लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन होने का खतरा है। आज शाम 6 बजे हम महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर राहुल पंडित और आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट के अग्रवाल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ही परेशानियों के बड़े कारण क्या है और इस किस तरह से हम कोरोना से जीत सकते हैं। शाम 6 बजे का खास शो, और आप भी अगर कुछ पूछना जानना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा इस्तेमाल करें। कोरोना का ब्रेक फेल यह है आज का शो। इसके अलावा कोरोना ने लोगों का बजट भी बिगाड़ के रखा है, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बड़ा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। इस मुश्किल वक्त में एक ही इलाज है, वो है सही फाइनेंशियल प्लानिंग। मनी गुरु में हम आज स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए, बताएंगे कि सीनियर सिटीजन्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रीस्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। तो भूलिएगा मत 8:26 पर मनी गुरु स्पेशल सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल प्लानिंग।